बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वैसे क्या हसीन और भरपूर ऑडियंस हमारे साथ है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। वेलकम टू गानिया प्रेजेंट्स जुगन एट नाइन। आज मैं एक्चुअली बात आज एक्स्ट्रा खुश और एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि जब भी पाकिस्तान की इमेज पाकिस्तान से बाहर बेहतर हो रही होती है तो दिल से खुशी होती है। इसलिए भी शायद क्योंकि मैंने पाकिस्तान से बाहर यूनिवर्सिटी अटेंड की कैनेडा, फिर वहाँ पे जो कुछ अरसा गुजारा। जब 9/11 का वाक़या हुआ था तो तब मैं कैनेडा में यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी और मुझे आज भी याद है कि 9/11 और उसके बाद जो चीज़ें हुई, पाकिस्तान पाकिस्तानियों की बहुत अजीब सी एक इम्प्रेशन पूरी दुनिया में पढ़नी शुरू हो गई। और आई थिंक वो शुरुआत थी मेरे ख्याल से जब बहुत ज़्यादा लोग पाकिस्तान को, मुस्लिम्स को नेगेटिवली देखना शुरू हो गए थे। लेकिन कल जब हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का वो सारी इन्फॉर्मेशन हमने देखी, अपडेट्स देखी, मीडिया में देखा कि कितने खूबसूरत अंदाज में उन्होंने लोगों के साथ डील किया। आप सब जानते हैं कि मैं अपने आप को कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ अफिलिएट नहीं करती। मैं सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की इज्जत करती हूँ। हर इंसान अपने राइट में एक एफर्ट, एक कोशिश लेके आगे बढ़ रहे हैं। और क्योंकि मेरी पॉलिटिकल नॉलेज इतनी नहीं है इसलिए मैं ये भी नहीं डिफाइन कर सकती कि ये सही है और वो गलत है। बट अगर ये कोई भी प्राइम मिनिस्टर होते पाकिस्तान के, चाहे नवाज शरीफ साहब होते, चाहे जरदारी होते, चाहे कोई भी होता, तो मुझे इतनी ही खुशी होती। सो बिकॉज इट वॉज इमरान खान साहब जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और वो गए और जिस तरह पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ उन्होंने कम्युनिकेट किया, उनके साथ इंटरेक्ट किया, जितना पॉजिटिव रिस्पॉन्स ट्रंप, जो वैसे ही बड़ा एक यूजुअली हमारी तरफ नेगेटिव होते हैं, उनका पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखा तो दिल से खुशी हुई। और वो जो एक नए पाकिस्तान और एक टुमारो की पॉजिटिव बातें हो रही हैं, लगना शुरू हुआ कि शायद हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। ये सोच बहुत गलत होती है कि भाई मुल्क के अंदर और मुल्क के ही हालात ठीक हो जाएं तो सब ठीक होगा। अब क्योंकि पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है, हर कोई एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो आपस में ममालिक का अच्छा ताल्लुक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अल्लाह का शुक्र है कि हम अब इस डायरेक्शन में भी जा रहे हैं। और हमें अच्छा लगे या ना लगे, अमेरिका एक सुपर पावर है, उनके साथ अगर हम ज़रा पॉजिटिव अंदाज में चलते हैं, वहाँ पे भी अगर हमारी इम्प्रेशन पॉजिटिव पड़ेगी तो ये हमारे लिए आगे जाके एक बहुत पॉजिटिव चीज़ होगी। हमारी इकोनॉमी बेहतर होगी, जॉब्स प्रोवाइड होंगी लोगों को, वीज़ों का जो एक स्यापा फिर पड़ गया है वो इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे। मुझे बहुत अफसोस होता है कि जब भी हमारा हरा पासपोर्ट कहीं पे भी सामने आता है तो लोग सबसे पहले जो है ना कहते हैं, चले जी आप वो एक्स्ट्रा चेकिंग वाले कमरे में जाएं। आपसे ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं बॉर्डर्स पे कि आपको समझ ही नहीं आती कि भाई इस सवाल का मेरे आपके मुल्क जाने से ताल्लुक क्या है। और ये सब चीजें स्क्रूटनी होती हैं एक्स्ट्रा जो हमारे पे चेक रखा जाता है। तो ये जो पिछले 2-3 दिन में सारा कुछ हुआ, इससे रिलेटेड हमारी जो ऑडियंस है मैं उनकी राय जानना चाहूंगी। और बस सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि कोई ऐसी वैसी लैंग्वेज नहीं हमने यूज करनी। आपका जो ओपिनियन है, आपकी जो राय है, आपके ख्याल से क्या ये पाकिस्तान के लिए एक पॉजिटिव स्टेप रहा है, इस पे हम बात करेंगे। लेकिन टू माय राइट एक बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट हमारे साथ हैं, शहरयार अली हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? ठीक है, बिल्कुल ठीक। जाग जाओ शहरयार, जाग जाओ। जागने में थोड़ी सी गुंजाइश है, बस जाग गया हूं। जाग गया हूं। अच्छा खैर, आज बाय द वे व्यूअर्स, आपको अगर याद है तो आज तारीख है 23 जुलाई। कुछ याद है कि आज क्या होना है? लोग ऐसे ऐसे शेक कर रहे हैं सर। जिनको नहीं याद उनको याद कराऊंगी कि आज उमरे के टिकट की लकी ड्रॉ होगी। जी तो हमने एक ये भी प्रोसेस स्टार्ट किए, तो हमने रमजान की ट्रांसमिशन में रियलाइज किया कि जब एक प्रोग्राम कर ही रहे हैं, जब स्पॉन्सर्स हमारे साथ होते हैं, तो वाई नॉट गिव थिंग्स। मतलब उन्हीं स्पॉन्सर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि जी हमें थोड़े गिव अवेज वगैरह दे दिया करें, ताकि जो ऑडियंस हमारे साथ होती है थोड़ी सी वो इनकरेज हो जाए। और आई थिंक उमरे या हज के टिकट से बढ़ के कोई तोहफा, कोई गिफ्ट कुछ नहीं हो सकती। वैसे तो ये आपकी किस्मत की चीज़ होती है, जब आपका बुलावा आ गया आ गया, यू नो इट्स वन ऑफ दोज थिंग्स। लेकिन हम इस प्रोसेस का हिस्सा बनते हैं, हमारे लिए ये बहुत एक खुशी और एक्साइटमेंट की बात है। तो सेकंड,
मेजर रीज़न आज बहुत एक्साइटेड और खुश होने का ये है कि आज रीम राइस की तरफ से हम किसी ना किसी को उम्रे का टिकट देंगे और शायद उसके साथ कुछ सरप्राइज भी हो, सो ये आगे जाके पता चलेगा। बट शरियार, आपकी तरफ मैं वापस आऊंगी। हमारे साथ किचन में बहुत ही प्यारी और ऐसे करके ना तब से खड़ी मुझे देख रही है कि आ विजा, तो आ रही हूँ बहुत ही प्यारी सी शेफ मेजबीन हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं जुगन? बहुत सेट हूँ। ये आपने पहले ही रीम का स्टीम्ड राइस का थैला खोल के आप ये तो देखे ना, सबसे पहले आते ही इन्होंने चावल खोले। और बाय द वे दिस राइस इज ऑसम। ये तीन गुना ज्यादा बड़ी हो जाती है क्योंकि जब हमने बात करनी शुरू की रीम का स्टीम से रिलेटेड बात रीम राइस की, तो मैंने भी कहा कि जरा जब बात कर ही रहे हैं प्रोग्राम पर ट्राई आउट करूं। एक्चुअली बहुत ही ऑसम राइस है और अगर हम इसे कहें कि इंटरनेशनल क्वालिटी की राइस है तो डेफिनेटली इंटरनेशनल क्वालिटी की राइस है। ये इनका मतलब एक तो राइस का जो दाने हैं वो तीन गुना ज्यादा बड़े हो जाते हैं जब आप इनको बॉयल करते हैं, दूसरी बात टूटते नहीं है और तीसरी बात चिपकते नहीं है। यही तीनों इश्यूज होते हैं ना जब भी हम राइस बनाते हैं कि यार ये तो फूली नहीं, चावल ही नहीं फूले, या ये होता है कि चिपक जाते हैं या टूट जाते हैं। सो ये इश्यूज बिल्कुल भी नहीं है। इट्स ऑसम रीम का स्टीम, हम इससे रिलेटेड भी बात करेंगे। लेकिन ये जो कल और परसों पीएम साहब का विजिट था, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जुगन देखें, जो कुछ भी हो रहा है हमारे मुल्क की बेहतरी के लिए और हम सबकी बेहतरी के लिए ही हो रहा है, तो इस चीज़ को हमें जो है वो एडमिट करना चाहिए कि हमारे फायदे के लिए सब हो रहा है, बजाय उसके कि आप नेगेटिविटी में जाते हो, आप उसको पॉजिटिव वे में रह के तो सोचो उसको। वही तो बात है ना कि देखिए, पाकिस्तान ने इंटरनेशनल फोरम पे भी अपना एक किरदार अदा करना है। हमारे बहुत से टैलेंटेड आर्टिस्ट, बहुत से टैलेंटेड लोग, टैलेंटेड स्पोर्ट्स पीपल पाकिस्तान से बाहर भी पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, लेकिन जब भी उनकी बात होती है तो साथ में कोई नेगेटिव चीज़ अटैच कर दी जाती है कि वैसे तो पाकिस्तानी इस योग्य नहीं है, लेकिन ये एक शख्स जो है वो कुछ डिफरेंट कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। यहाँ पे हमारी ऑडियंस में भी जो सारे लोग बैठे हैं वो भी अपना अपना हिस्सा डाल रहे हैं, अपने अपने लेवल पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और हर इंसान को एक रिस्पेक्ट और रिगार्ड मिलनी चाहिए। सो सारे पाकिस्तानियों के लिए आज हम तालियां बजाएंगे भाई। पाकिस्तान एंड पाकिस्तानीज आर ऑसम। और ये सिर्फ 23 मार्च को या 14 अगस्त को बात नहीं कहनी चाहिए, हमें अपने आप को भी क्रेडिट देना चाहिए कि हम सब अपना अपना हिस्सा डाल रहे हैं और रब ताला का बड़ा करम है कि हमारे पास एक आज़ाद मुल्क है जिसके लिए बड़ी जिद्दोजहद करके हमारे बाबाजदाद ने इसको हासिल किया। अब यहाँ से हम आगे कैसे जाते हैं ये हमारी चॉइस है। ओके मैडम, मेन्यू जुगन, आज हम बना रहे हैं स्टीम का राइस जो है, रीम का राइस जो है उसके साथ चिकन बिरयानी बनाएंगे, और जो सेकेंड मैं डिज़र्ट बना रही हूँ वो है चॉकलेट चिप ट्राइफल। Awesome. तो सबसे पहले जो हम चिकन बिरयानी बना रहे हैं उसमें जो इंग्रेडिएंट चाहिए उसमें हम लेंगे उबले हुए चावल 1 किलोग्राम है और रीम का स्टीम हम यूज करेंगे। बिल्कुल। उसके बाद चिकन 1 किलो है, प्याज 3 अदद है, अदरक लहसुन पेस्ट इसमें 2 टेबलस्पून है, आलू बुखारा 50 ग्राम, साबुत गरम मसाला 2 टेबलस्पून है, जरदा रंग इसमें तारंग इसमें 1/4 टीस्पून है, नमक हसबे जायका, लाल मिर्च जो है 2 टेबलस्पून है, दही 1 कप, हरी मिर्चें 5 अदद, पुदीना आधी गट्ठी, टमाटर 5 अदद और तेल 1/4 कप है। उसके बाद देखिए राइस जो है इसका तरीका कुछ ऐसे है कि चावलों को हमने पहले आधा घंटा भिगोना है। ये देखिए मैंने जो रीम का स्टीम राइस है इसको थोड़ी देर पहले ही सोक किया है और ये उससे डबल क्वांटिटी अभी हो गई है। ये देखिए इसको जब हमने सोक किया था तो ये हाफ थे, अब जब इस आधे घंटे के बाद ही डबल हो गए हैं। डबल हो गए, बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसके बाद सबसे पहले हम जो चावलों को बॉयल रखेंगे तो उसमें जुगन साबुत गरम मसाला, लेमन के कुछ स्लाइस और नमक शामिल करके इसको हमने बॉयल कर लेना है। ओके। उससे ये होगा चावल बहुत खुशबूदार बनते हैं, कुछ पुदीने के पत्ते भी शामिल कर देंगे। उसके बाद हम इसको स्ट्रेनर में स्ट्रेन कर लेंगे। उसके बाद सेकंड जो हम करेंगे चिकन का कोरमा रेडी करेंगे। प्याज को ऑयल में अच्छी तरह लाइट गोल्डन कलर करके उसके बाद निकाल के चिकन को अच्छी तरह फ्राई करेंगे लहसुन अदरक की पेस्ट के साथ। उसके बाद साबुत गरम मसाला शामिल करेंगे, दही शामिल करेंगे, तमाम जो स्पाइसेस हैं वो शामिल करेंगे, आलू बुखारा उसमें शामिल करेंगे और अच्छी तरह इसको कवर कर देंगे कि ये दही के पानी में चिकन गल जाए। चिकन गल जाएगी तो उसके बाद थर्ड जो लास्ट स्टेप हमारा होगा वो लेयरिंग का होगा। पैन को हम ग्रीस करेंगे जो भी जिसमें आप पतीली में बना रहे हो, उसके बाद चावलों की लेयर करेंगे, उसके बाद जो हमने कोरमा रेडी किया होगा उसकी लेयर होगी। उसके बाद ये देखें मैंने वेजिटेबल्स कट किए हुए हैं बिरयानी में, देखें कि ये टमाटर लेमन स्लाइस हैं, हरी मिर्चें और पुदीना। इसकी देखें ना तैयारी भी बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है। हम लोग जो है ना एक वो जो कहते हैं ना किचन में घड़मस मचा देते हैं इधर उधर डेली, अगर तरीके से हम चीज़ों को सॉर्ट आउट करके रखें
तो जब हमने एंड में कंपाइल करना होता है चीज़ों को, इतनी खपनी मचती और गंद भी कम होता है। बिल्कुल ऐसी है। उसके बाद इसकी लेयरिंग करेंगे, जस्ट ऐसी लेयरिंग सारी हो जाएंगी। उसके बाद लास्ट पे हम जर्दा रंग जो है वो डिजोल्व करके वो शामिल करेंगे, जायफल जवत्री का पाउडर उसमें थोड़ा शामिल करेंगे, उससे बिरयानी बहुत खुशबूदार बनेगी। और 10 मिनट के लिए दम लगाएंगे, रायते और सैलड के साथ हम इसको सर्व करेंगे। अमेजिंग। और डिजर्ट, डिजर्ट जो है हम चॉकलेट चिप ट्राइफल बना रहे हैं, उसमें जो चीज़ें लेंगे, ये दूध है 2 कप, कस्टर्ड पाउडर उसमें है 2 टेबलस्पून, चीनी उसमें 3 टेबलस्पून है, चॉकलेट कुकी क्रम्स इसमें 1 कप है, चॉकलेट सॉस आधा कप है, केक 1 अदद, क्रीम 1 पैकेट और चॉकलेट चिप्स गार्निश के लिए। अमेजिंग, बहुत ईजी है। सबसे पहले आप सर्विंग बोल में केक को जो है वो सेट कर लेंगे, उसको मॉइस करेंगे। कभी भी ट्राइफल में केक को एज इट इज़ नहीं रखते उसको, आप अब आपके पास कोई भी जूस नहीं है या कोई नहीं है तो आप दूध के साथ उसको मॉइस कर लें। उसके बाद हम इसका कस्टर्ड बनाएंगे कि आपने दूध को गर्म किया, उसमें आपने चीनी शामिल की, बॉयल आएगा कस्टर्ड पाउडर के साथ, वनीला इसमें आपने लेना है क्योंकि कलर कम्बिनेशन बहुत काउंट, वनीला का हम इसीलिए ले रहे हैं कि क्योंकि हमारी बाकी चीज़ें ब्राउन इसमें यूज़ हो रही हैं। उसके बाद केक जो लेयर की जुगन उसके ऊपर ये देखिए कुकी क्रम्ब है। अच्छा, ये जो चॉकलेट कुकीज़ मार्केट हाँ में अक्सर उसका क्रम ये हम लगाएंगे, उसके बाद कस्टर्ड की लेयर लगाएंगे, क्रीम की लेयर लगाएंगे और लास्ट में जो टॉपिंग करेंगे वो भी क्रीम और चॉकलेट चिप और चॉकलेट सॉस के साथ इसकी टॉपिंग करेंगे और ठंडा करके हम इसको सर्व कर देंगे। ऑसम, यम। ओके, ये जो पिछले 2 दिन में एक एक्टिविटी रही है जो प्राइम मिनिस्टर साहब का, आपके ख्याल से हम क्या कर सकते हैं पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज क्रिएट करने के लिए, ये हम आप लोगों से जानेंगे ब्रेक के बाद। आप जो हुआ है उससे रिलेटेड भी अपनी राय शेयर कर सकते हैं या ये भी बता सकते हैं कि हम जो कॉमन मैन हैं, आम लोग हैं हम लोग अपना हिस्सा कैसे डाल सकते हैं मुल्क के को पॉजिटिविटी की तरफ लेने के लिए। सो छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप लोग देखती रहिएगा गानिया प्रेजेंट्स जुगन एट 9। डाल के नहीं निकली इसीलिए अभी तक अफसोस में बैठे हुए, माइंड नहीं करना, दुखी आदमी है, लेकिन टिकी पैक में एक बहुत एक्शन पैक आवाज है। बहुत सी तालियां शहरयार और नवीद के लिए, थैंक यू सो मच। आपने ये क्यों बजा रहे हो तालियां, आपके लिए बजवा रहे थे दोनों के लिए। मैंने इनके लिए बजाया तो मैंने हमने आपके लिए बजाया। अच्छा, ओके। सो व्यूअर्स, जैसे कि आपसे ब्रेक से पहले बात हो रही थी, रीम का स्टीम जो ऑसम राइस है, मतलब जैसे कि मैंने आपको ब्रेक से पहले बताया कि 3 गुना ज़्यादा अपने साइज़ से बड़ी हो जाती है, ऑल्सो चिपकती नहीं है, जो एक बहुत बड़ा इशू होता है चावलों के साथ कि आप बना लेते हैं और सारे चिपक जाते हैं, टूटते नहीं हैं। सो ऑसम ऑसम क्वालिटी राइस, और आई थिंक 1994 से पूरी दुनिया में प्रीमियम क्वालिटी चावल के एक्सपोर्टर हैं। तो मैं चाहूँगी कि आज वो इंडिविजुअल जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और हमें भी इनकरेज किया कि बाकी काम तो अपनी जगह होते हैं लेकिन कुछ बहुत अच्छा सा लोगों के लिए करना चाहिए, हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि उम्रे पे जाए, अल्लाह ताला का घर देख के आए, तो ये एक ऐसी डिज़ायर और एक ऐसी ख्वाहिश है जिसको पूरा करने में अगर इंसान अपना हिस्सा डाले तो उनको भी सवाब मिल जाता है और जाने वाले को तो सवाब मिलता ही है। तो हमारे साथ हैं रीम का स्टीम के जो CEO हैं रीम राइस मिल्स के, काशिफ अफंदी साहब, आइए उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, उम्रे का टिकट भी लाए और हमारी सारी ऑडियंस के लिए गिफ्ट हैम्पर भी लाए, इतना सब कुछ, मतलब एक रिवायत है पाकिस्तान की, हमारी हमारियत का ये हिस्सा है कि जब मिलें किसी से और ख़ास तौर पे हमारे यहाँ के दफ्तर भी कोई आता है रीम के तो वो बगैर गिफ्ट हैम्पर के नहीं जाता। चलें, सारे चलते हैं इनके दफ्तर, आज नहीं आज तो मिल जाएगा ना सबको गिफ्ट हैम्पर, कल फिर चलते हैं, हर रोज जाएंगे, हर रोज गिफ्ट हैम्पर लेके आ जाएंगे। अब आपके दफ्तर के बाहर लाइनें मजीद और लगी हुई होगी। अच्छा सर, इस इनिशिएटिव की तरफ मैं आना चाहूंगी लेकिन आपके साथ एक बहुत प्यारी सी यंग लेडी हमारे साथ है, बट नो शी इज नॉट एन एक्ट्रेस, शी इज नॉट अ मॉडल, शी इज एक्चुअली अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट और PMU स्पेशलिस्ट है, कराची, लाहौर एंड दुबई में प्रैक्टिस करती हैं। डॉक्टर सेरिश रियाज हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम तो करें प्रोग्राम पे, कैसे वेलकम करते हैं। सो हम आज फॉर्चुनेटली अब मतलब डिस्कस तो करेंगे ब्यूटी से रिलेटेड लेकिन एक एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट है ना ऑफ द उम्रे का टिकट दैट्स गोइंग टू बी गिवन टू समवन और द अदर। सो आपका ये जो एक इंटरेस्ट है इन ब्यूटी एंड कॉस्मेटोलॉजी, थोड़ा सा इसके अंदर मतलब
लाइट डालेंगे कि हाउ डिड यू गेट इनटू इट. एग्जैक्टली एस्थेटिक्स मेडिसिन वाज द इंस्पिरेशन. और एस्थेटिक मेडिसिन के तो प्रैक्टिशनर्स बहुत ज़्यादा हैं. एवरीबडी इज़ डूइंग लेजर्स. डर्मेटोलॉजी की एक स्पेशलिटी होती है. तो आई जंप्ड इनटू दिस फील्ड डायरेक्टली 7 years अगो. तो उसमें ये था कि मेरा जो इंटरेस्ट था दैट वाज मोर रिलेटेड टुवर्ड्स ब्यूटी, जिसमें एक स्पेशलिटी मैंने पकड़ी क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान वॉज काफ़ी पीछे था इस चीज़ में. और इट इज़ कॉल्ड माइक्रो पिगमेंटेशन, जिसकी फर्दर काफ़ी सारी एप्लीकेशन है, जिसको हम सेमी परमानेंट मेकअप भी कहते हैं. सो जिसमें आईब्रोज है, परमानेंट लिप कलर है 2-3 साल के लिए, 6 months के लिए आपको बेस लग जाती है जिसको बीबी मीजो ग्लो कहते हैं. सो मतलब यू कैन वेक अप विदाउट मेकअप काइंड ऑफ थिंग. सो इट वाज वेरी इनोवेटिव टेक्निक. ये वेस्ट में, यूरोप में बहुत ज़्यादा हो रही थी. आई वर्क फॉर 2 years इन जर्मनी, वहाँ से ही मैंने सारी टेक्निक सीखी एंड देन आई इंट्रोड्यूस टू पाकिस्तान. ऑसम ऑसम. तो आज आप किसी को टेक ऑन करेंगी एज अ एग्जैक्टली एज अ प्रोजेक्ट? अच्छा, बट वुमन पे करेंगे क्या? हम आज आईब्रोज करेंगे और जो मैं बेस कह रही हूँ 6 months वाली वो करेंगे. अमेजिंग. सो हु वॉन्ट्स टू बी अ पार्ट ऑफ दैट एक्टिविटी, जरा मुझे ये तो बताइए ना. कौन 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 कौन, हु वॉन्ट्स टू कम? आप आएंगी? आ जाए आ जाए आ जाए. आपका नाम? हुमेरा. सुमेरा. सुमेरा हम आपको हैंड ओवर कर रहे हैं. बिल्कुल. सुमेरा जी आ जाइए आ जाए आ जाए. सो सुमेरा, आपके मुंह पे अभी कोई मेकअप या कुछ लगा हुआ है? हल्की सी बेस लगी हुई है और लिपस्टिक लगी हुई है. ठीक है सुमेरा को, तो आप इनके ऊपर हम थोड़ा सा आईब्रो को शेप अप करते हैं इनकी. ठीक है, ऑलरेडी शी हैज बुशी आईब्रोज. जुगन आईब्रोज का फायदा गैप्स है, गैप्स है ना, उसको हम थोड़ा शेप अप कर देते हैं. वैसे जो स्पार्स होती है ना खाली, वो बड़ी अच्छी मॉडल हो सकती है. उसकी तो सारी बना लेंगे ना हम, जिनकी है नहीं बेसिकली. नहीं बट इनकी भी देखे ना, थोड़े थोड़े से गैप्स हैं. फिलिंग हो जाएगी और फेस के ऊपर सेमी परमानेंट हम बेस लगा देंगे. ओके, सो वी आर हैंडिंग हर ओवर टू यू. ओके, लेट्स स्टार्ट एंड देन वी विल टॉक अबाउट इट लिटिल बिट मोर. तो आप वहां पे आ जाएं. सर आपकी इजाजत से जो इस वक्त हमारे साथ ऑडियंस है, हम नाम निकाल लें. ओके, अब होगा ये कि रीम का स्टीम राइस मिल्स की तरफ से हम एक लकी ड्रॉ करें. आ जाए अशर, कुछ नहीं होता. ये हमारे प्रोड्यूसर हैं, इनके लिए तालियां बजा लेंगे. जो हाथ आपने देखा था. अच्छा, तो हम निकालेंगे नाम. हम फैमिलीज में से एक एक मेंबर का नाम निकाल लेते हैं. तो इस वजह से जो हमारी सारी लाइव इस वक्त ऑडियंस बैठी है, उनमें से हम नाम निकालेंगे. सर एक नाम निकालें या दो निकालें? दो निकाल लें. दो निकाल लेते हैं आज, दो निकाल लेते हैं. अच्छा, लेकिन ये हमारे फाइनल जो लकी ड्रॉ होगा उसका हिस्सा बनेंगे. ओके, और फिर एंड में हम देखेंगे कि जो हमारे साथ सारे जो पहले से कंटेस्टेंट्स, हर रोज़ एक एक नाम निकल रहा था और आज के दो मिला के टोटल को कंबाइन करके फिर हम अपने लकी ड्रॉ की तरफ जाएंगे. ऑलराइट, इजाजत है आप लोगों की, ऑडियंस की इजाजत के बगैर कुछ नहीं हो सकता. जी सर जी. तो आंखें बंद करके, आंखें बंद करके. हाँ, पहला नाम जुनेरा. जुनेरा साहिबा, ओए जुनेरा साहिबा खड़ी हो जाए तब हम, ताकि हम आपको देख लें. तो जुनेरा इज वन कंटेस्टेंट आल्सो एंड देन सर सेकंड. आंखें बंद करके सर. हाँ. मैं सिर्फ बोल देख रहा था क्या. हिना अमजद. हिना अमजद. हिना अमजद, कॉन्ग्रेचुलेशंस. सो हिना अमजद एंड जुनेरा का नाम भी हमारे फाइनल ड्रॉ में चला जाएगा. और सर थोड़ा सा अगर आपकी इजाजत हो तो, मैं तो चावलों की बात करती रही हूँ बट आपसे भी जानना जरूरी है कि रीम का स्टीम मार्केट में मिलने वाले चावलों से किस तरह मुख्तलिफ है, ये एक इम्पोर्टेंट सवाल. जब मैंने कुछ 4 साल पहले रीम ज्वाइन की थी, रीम इज एक्चुअली द ओनली मल्टीनेशनल इन पाकिस्तान. तो अल गुरैर जो UAE का ग्रुप है और अल मुहद्दब सऊदी ग्रुप है, ये कोई $10 billion ईच के कंग्लोमरेट हैं. और इनके ब्रांड्स कुछ आप जानती होंगी, मशरक बैंक ये ओन करते हैं, मसाफी, अलमराई, सबोला, ये बड़े नाम हैं जो ये ओन करते हैं. उन्होंने ये 94 में मिल लगाई थी पाकिस्तान में. तो जब मैं इनको ज्वाइन किया, मेरा बैकग्राउंड था यूनिलीवर, फिलिप्स, टेटली, मल्टीनेशनल्स का. तो मैंने ये सवाल अपने आप से खुद किया कि चावलों में फ़र्क क्या है. व्हेन आई गो टू द आइल तो मुझे नहीं समझ आ रहा था कि एक ब्रांड और दूसरे ब्रांड में फ़र्क क्या है. अच्छा नहीं, बट एज अ वुमन जी, आपके फेवरेट्स होते हैं, कौन सा आपने तेल उठाना है, कौन से आपने मसाला जात उठाने हैं? मुझे पता है कि मैंने इस ब्रांड की ये चीज़ उठानी है,
دیکھیں یو آر پرابلی 1% آف پاکستان جو کہ جو ایجوکیٹڈ ہے, جس کو سمجھ ہے. میں نے خود شاپنگ کرتے ہوئے دیکھا ہے خواتین کو, اور وہ جو برانڈ جو ہاتھ میں آیا اٹھا رہی ہیں, برانڈ امبیسڈر سے پوچھا کہ بریانی کس سے بنتی ہے, تو وہ برانڈ امبیسڈر بیچاری اس کو ٹبر دے رہی ہے جو ٹوٹا ہوا چاول ہے. تو میں نے کہا اس سے نہیں بریانی بنے گی, اس سے گھر والے ناراض ہوں گے. تو وہ ایک اسپرٹ تھی ہماری کہ ہم ایسی کیا چیز کریں چاولوں میں کہ کنزیومر کے لیے, خواتین کے لیے سمجھ آ جائے کہ ایک اچھے اور برے چاول کی پہچان کیا ہے. اور ہم بہت زیادہ چاول کھانے والی قوم ہیں, اور ہم چاول دیکھیں ہمارے تو میٹھے میں بھی چاول ڈلتا ہے, ہماری اپٹائزرز میں چاول ڈلتا ہے, ہماری مطلب ہمارے تو ہر اپٹائزر ڈیزرٹ, ہمارے سوپس میں چاول ڈلتا ہے, جب ملگٹانی سوپ بناتے ہیں تو اس میں بھی چاول ڈلتے ہیں. سو ہمارے تو چاول میں چاول ہوتا ہے, کھیر میں چاول ہوتے ہیں, ڈیزرٹس میں بھی. تو مطلب چاول تو ایک بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. دو چیزیں مجھے سمجھ آئی ایز اے لے مین, کہ ایک تو یہ ہے کہ باسمتی کا لفظ جو ہے, جس کا مطلب نہیں لوگوں کو پتا لیکن سب کو یہ پتا ہے باسمتی چاول اچھا چاول ہے, اس کا مطلب لٹرلی یہ ہے کہ مٹی کی خوشبو, باس مٹی, تو باسمتی ایکچولی مینس مٹی کی خوشبو. تو جو ہمارے خطے کی جہاں سے یہ آتی ہے باسمتی چاول اگتا ہے, وہاں کی خوشبو جو ہے اس کی چاولوں میں آ جاتی ہے. دوسری چیز جو لوگوں کو سمجھ آتی تھی کہ پرانا جتنا ہوتا ہے چاول اتنا اچھا ہے, کیونکہ وہ پختہ ہو جاتا ہے, ٹوٹتا نہیں ہے. آپ اگر کچا چاول جو مل سے نکلا ہو اس کو توڑیں ہاتھ سے ٹوٹ جائے گا, لیکن دو سال اس کو پرانا کو توڑنے کی کوشش کریں تو وہ مضبوط ہو جاتا ہے. ہم نے ڈسکور کی یہ ٹیکنالوجی اسٹیمنگ ٹیکنالوجی, اس لیے نام ریم کا اسٹیم ہے, کیونکہ اسٹیم ٹیکنالوجی میں آپ جو پیڈی ہوتی ہے یا منجی ہوتی ہے اس کو اسٹیم کرتے ہیں کوئی 8 گھنٹے, تو وہ تھوڑی سی پراپرٹیز ہس کی جو اس کا چھلکا ہوتا ہے وہ چاول میں آ جاتی ہیں اور وہ پختہ ہو جاتا ہے. تو وہی کام جو دو سال پرانا چاول کرتا ہے وہ یہ سٹیم چاول کرتا ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ براؤن چاول کھائیں, براؤن چاول کھائیں ود ہس کھائیں, تو وہ کچھ کوالٹیز اس میں ویسے بھی آ جاتی ہیں, اس میں کلر بھی آپ دیکھیں گے. سٹیم رائس ورسز وائٹ رائس, اس کا تھوڑا پیل ہوتا ہے کلر, تھوڑا سا لائٹ شیڈ آ جاتا ہے. تو وہ ہم نے جب ڈسکور کیا, پھر ہم نے کہا اب یہ کس طرح کمیونیکیٹ کریں کنزیومرس کو کہ آسانی سے سمجھ آئے. تو ہمارے پیکس پہ آپ دیکھیں گے کہ یہ نہیں لکھا کہ 86 ہے یا 11-21 ہے, یہ ٹریڈ ٹرمز تھیں جو لوگوں کو کنزیومر پیکس پہ ڈالی. دیکھیں نا تین کلرز ہیں, تین کلرز ہیں اور ان پہ سائزز لکھے ہیں آفٹر کوکنگ. تو جو ہمارا پریمیم ہے ریم کا سٹیم بلیک, اس پہ لکھا ہے کہ پکنے کے بعد چاول تین گنا زیادہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, جو بلو ہے اس میں 2.5 گنا زیادہ اور ریڈ میں 2 گنا زیادہ. تو یہ ایڈیٹ پروف جسے ہم کہتے ہیں طریقہ. لیکن افورڈیبل کتنا ہے سر, بات تو یہ نا کہ مطلب ہم سارے جو عام لوگ ہیں افورڈ کر سکتے ہیں کہ نہیں نا, چاول خریدیں تو کبھی ٹوٹ جائے. دیکھیں افورڈیبلٹی کا فوڈ پروڈکٹس میں میرا تجربہ یہ رہا ہے کہ آپ اپنی ہیلتھ پہ یا ہائیجین پہ نہیں کمپرومائز کرتے. کھلے چاول میں ملاوٹ کا خدشہ ہے, کھلے چاول میں ڈیزیزز کا, پیسٹیسائڈ کا خرچہ ہے. یہ کیونکہ ایکسپورٹ کوالٹی چاول ہے تو اس میں ہم مکس نہیں کرتے کوئی چیز, پیورٹی گارنٹیڈ ہوتی ہے. پھر یہ چیز کے پکنے کے بعد الگ الگ دانا کھلا کھلا نظر آئے گا, جڑے گا. بات یہ دیکھیں نا کہ اگر آپ دوسرے چاول لیتے ہیں اور وہ آدھا فیس مطلب ہاف اپنے سائز سے زیادہ بڑے ہو جاتے ہیں تو چاول کم ہوئے. اب ریم کا سٹیم جب آپ یوز کرتے ہیں ان کا بلیک والا پیک, تو 3 گنا زیادہ چاول بڑے ہو جاتے ہیں, یعنی کہ چاول بھی زیادہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں, تو زیادہ لوگوں کا پیٹ بھی بھر جاتا ہے. تو ایک وہ بھی پریکٹیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھنے والی بات ہے کہ جو آپ نے اتنی چیز ڈالی وہ 3 گنا زیادہ ہو گئی, تو وہ زیادہ لوگ بھی کھا سکتے ہیں. ایکچولی ہمیں اس وقت جو چیز قیمت لکھی ہوتی ہے نا, ہمیں اس کی ٹینشن ہوتی ہے, ہم یہ نہیں سوچتے کہ پریکٹیکلی ہم اس کو کتنا استعمال کر پائیں گے. ایبسولوٹلی ایسا ہی ہے. تو یہ 3 گنا زیادہ اگر بڑا ہوتا ہے, تو جب جو سائز ہے, جس طرح ایک کپ ہے, اگر کوئی آپ کے گھر میں ایک کپ چاول کھاتا ہے, تو جب آپ اس کو بنائیں گے تو 3 لوگ آرام سے ایک کپ چاول کھا سکتے. بالکل رائٹ, بالکل ایسے. اور یہی تو بات ہے, دیکھیں ہم لوگ جب کوالٹی پہ کمپرومائز کرتے ہیں تو جیسے کہ سر نے کہا, ہم اپنی صحت پہ کمپرومائز کرتے ہیں. اور بار بار اس پروگرام پہ ہم ایک ہی بات کرتے ہیں, جان ہے تو جہان ہے. اچھے معیار کی چیز استعمال کریں, چاہے کم استعمال کر لیں, اس کی بنسبت بیڈ کوالٹی کی چیز یوز کریں, پھر کینسر جیسی بیماریاں, نظام ہضم کی بیماریاں, ہر قسم کی بیماری آج کل ایگزسٹ کرتی ہے, اور وہ اسی لیے کرتی ہے کیونکہ ہم غلط چیزیں استعمال کرتے ہیں. سر آپ ہمارے ساتھ رہیں گے, بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو شہریار آپ سے کچھ سن بھی لیں گے. باتیں نہیں میں نے آپ سے سنی, صرف میں نے آپ سے گانا سنا. تو گانا سنتے ہوئے واپس آئیں گے, اور تھوڑا سا ہم اپنے عمرے کی اس پروسیس کے قریب جائیں گے. تھوڑا سا تو آپ لوگوں کو تنگ کرنا بنتا ہے نا. بائے دی وے ایک بات جنرلی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی, جیسے کہ ہمارے پاس یہ بول ہے اور ڈفرینٹ لوگوں کے نام ہیں, تو میں چاہوں گی کہ ایک نام سر آپ نکال لیں, تو کسی کو ایک ہم پنکھا دے دیتے ہیں آپ کی اجازت سے. ندیم صاحب کون ہیں؟ اب ندیم بڑا, ندیم صاحب کیسے آپ آ جائیں جلدی سے, آ جائیں جلدی سے, جلدی سے آ جائیں, جلدی سے آ جائیں.
रीम का स्टीम का गिफ्ट हैम्पर तो आपको मिलेगा ही ऑफ कोर्स फ्रॉम रीम राइस मिल्स. ऑसम एक्सपीरियंस द टेस्ट ऑफ पाकिस्तान. बट उसके साथ साथ रॉयल फैन का आप ये फैन भी अपने साथ लेके जाएंगे. जिन्होंने निकाला है उनके लिए भी तो तालियां बजा दें. छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे. तहाइफ का सिलसिला जारी रहेगा और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो रीम का स्टीम की तरफ से जो इतने अमेजिंग से गिफ्ट हैम्पर्स हैं सारी ऑडियंस तक हम पहुंचाएंगे ब्रेक के बाद. कसमें आप रीम राइस देखेंगे आपकी यही राय होगी. जब वो खिले खिले निखरे हुए चावल, देखिए जरूरी नहीं कि बाल हो या चेहरा हो, चावल भी तो निखरे निखरे हो सकते हैं. मेरा दिल चाहता है लोग किसी को घूम के कहें इतने प्यारे हो, बिल्कुल उबले हुए चावलों की तरह. ये भी क्यों कहना चाहिए भाई, हर लोग कहते ओनू वेक होते एन जा जिवें दूध बल्ले, तो ये क्यों नहीं कहा जा सकता इतनी सोहनी है जिवें उबले हुए चावल. हो सकता है क्यों नहीं हो सकता है, होना चाहिए, हम खुद बना सकते हैं ये मिसाल. The point is at the end of the day, viewers, हम जिंदगी को इतना ज्यादा सीरियसली ले लेते हैं कि हम उसे एंजॉय करना भूल जाते हैं. अब खाना बनाना, हम ये सिर्फ खवातीन को किचन में घुसा देते हैं, हम ये क्यों नहीं अंडरस्टैंड करते कि खाना बनाना भी एक फैमिली एक्टिविटी हो सकती है. एंड यू नो अगर ऐसे प्रोडक्ट्स हों जैसे कि रीम का स्टीम, रीम राइस है, इनकी ये चीज़ है कि मतलब होता ना कि बंदा चावल बनाते हुए खवातीन बड़ी पर्टिकुलर हो जाती है कि मैं सारा किचन से बाहर निकल जाए, मैं खुद बना लूँगी, क्योंकि वो चिपक जाते हैं, टूट जाते हैं, उनका मेरा फर्क हो जाता है. पर जब ऐसे अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हों तो आपके अगर किसी यंग बच्चे को कुकिंग का शौक भी है तो आप उसको भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं कि बेटा आप चावल बनाएं, मैं बाकी चीज़ें बनाती हूँ. यू नो कुकिंग भी एक फैमिली एक्टिविटी हो सकती है और पहले होती थी सर, बिल्कुल ऐसे सारे मिलके बैठते थे, वो चूल्हा जमीन पे होता था, बिल्कुल अम्मी बना रही होती थी, बच्चे वैसे ही आटे के साथ खेल रहे होते, पेड़े बना रहे होते थे, कोई चावल बॉईल कर रहा होता, तो मतलब एक फैमिली एक्टिविटी होती थी. और बाय द वे इसके साथ कल मैंने रीम राइस के साथ जर्दा बनाया, गुड़ वाले जो चावल होते हैं, इतनी क्रीम ऊपर डाल के खाई और सोचा कि ये मैं घर क्या रही हूँ. बट इवन मीठा बहुत अच्छा बनता है इस राइस के साथ. बिल्कुल, हमने इसको लॉन्च से पहले मैंने को मेरे ख्याल 100-150 घरों में सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, यूके में, कनाडा में, दुबई भेजा कि जो जिस तरह पकाता है उसी तरह पकाए. बिकॉज़ हमारा क्लेम ये है कि इसको चावल ने परफॉर्म करना है आपके मेथड पे, ये नहीं कि इसको ख़ास तरीके से आप पकाएं, जिस तरह आप पकाते हैं, जिस तरह दिल करता है उस तरह पकाएं, द राइस हैज़ टू राइज अबव दैट. तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो रिस्पॉन्स आया है कि यार ये कहाँ मिलता है, उससे हम इनक्रेज हुए कि जब ये लोगों को पसंद आ रहा है तो हमारा तो कम अज़ कम ये बिलीफ है कि जो एक दफ़ा ये ट्राई करेगा वो फिर कोई और चावल ट्राई नहीं करेगा. 100% एंड आई हैव टू अग्री विद यू. बाय द वे व्यूअर्स, मैं आपको उनके पैक्स दिखाना चाहूंगी. आइए जरा आते हैं अपने पैक्स की तरफ. हमारा जो रेड पैक है वो आपका होता है दो गुना ज्यादा, जब आप इसको बॉइल करते हैं तो ये ट्वाइस इट्स साइज हो जाता है, तो डबल हो जाता है. जब हम ब्लू पैक की तरफ आते हैं तो ये 2.5 यानी कि ढाई गुना ज़्यादा अपने साइज से बड़ा हो जाता है. और ये जो प्रीमियम क्वालिटी स्टीम राइस है हमारी, वेल वैसे तो तीनों ही प्रीमियम क्वालिटी हैं, बट जो ब्लैक वाला हमारा पैक है उससे जब आप उसके जब राइस बॉयल करते हैं तो वो तीन गुना ज़्यादा यानी कि एक कप तीन कप बन जाता है. जब आप बनाएं भी तो ये सोच समझ के बनाइएगा, ये ना हो कि आपने अपने हिसाब से, क्योंकि यूजुअली जो मार्केट में राइस है उसका इस किस्म का रिजल्ट आता नहीं है. कहते वो हज़ारों चीज़ें होती उनमें से कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जब भी मैं किसी चीज़ को इंडोर्स करती हूँ, किसी प्रोडक्ट को इंडोर्स करती हूँ, तो हमेशा उसको पहले खुद ट्राई करती हूँ. क्योंकि बात यह कि कल को मेरे पास कोई व्यूअर आके घूम के कहे कि आप तो बड़ा कह रही थी. देखिए मॉर्निंग शो होस्ट की या एक होस्ट की बहुत जल्दी पकड़ हो जाती है, जब मैं एक्टिंग करती हूँ तो मैं बड़े आराम से कह देती हूँ मैं एक्टिंग कर रही थी. होस्टिंग में आप एक्टिंग नहीं कर सकते और आपको करनी भी नहीं चाहिए. बात वो करें जो सच्ची हो और करेक्ट हो. सो जब हम वी डिसाइडेड कि हम ये प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो इसको खुद पहले ट्राई किया और इम्प्लीमेंट किया. अच्छा, हमें ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले सर आपकी इजाज़त से रीम की तरफ से, बिकॉज हम चाहते हैं कि आप भी एक्सपीरियंस करें द टेस्ट ऑफ पाकिस्तान, तो आप हमारे अगर दो तीन लोग हेल्प करने के लिए आ जाएं तो हम जल्दी से अपनी ऑडियंस तक पहुंचाएंगे रीम राइस मिल्स की तरफ से रीम का स्टीम के जो गिफ्ट हैम्पर्स हैं. एंड ऑफ कोर्स थैंक यू कहने का तो बेहतरीन तरीका तालियां ही होती हैं. सो जल्दी से हम अपनी ऑडियंस तक
गिफ्ट हैंपर्स पहुंचाएंगे। और सर आपसे काम मैंने अभी ब्रेक के बाद कराने, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जो हमारे सारे कंटेस्टेंट्स हैं वो यहाँ पे हमारे पास आके खड़े हो जाएंगे और हम करेंगे अपने उम्र के टिकट की प्रोसेस को स्टार्ट। तब तक ये ड्रीम एक्सपीरियंस टेस्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आपके लिए गिफ्ट हैंपर, आपके लिए ये आपके लिए, और सारे गिफ्ट हैंपर्स पहुंचाए जाएंगे ऑडियंस तक। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यूएस काशिफ अफंदी साहब हमारे साथ हैं जो रीम राइस मिल्स के सीईओ हैं, और उम्रे के टिकट का जो अजीब अजीब शक्लें ना जिनके जिनके नाम निकले हुए हैं वो अजीब अजीब शक्लें बना रहे हैं कि कर भी दें। तो ये तो आ गए वो जो हमारे फाइव कंटेस्टेंट्स हैं उनके नाम। हम करेंगे इसको प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से। अब प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन क्या, अच्छा पहले तो जो लोग जिन जिन के नाम निकले थे वो आ जाएं। पांच मेरे ख्याल से कंटेस्टेंट्स हैं हमारे उम्रे के टिकट के पोटेंशियल विनर्स, तो वो पांचों आ जाएं। आ जाएं, 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 आ जाएं। क्या हाय, खवातीन ही खवातीन, इतनी खवातीन, सारी खवातीन ही है। अच्छा ये तो जेन्युइन किस्म का मॉर्निंग शो वाला माहौल हो गया, सिर्फ लेडीज निकली हैं। सर आप आ जाएं, आप इस साइड पे आ जाइएगा क्योंकि उधर तो लेडीज ही लेडीज हैं। और मैं कंफ्यूज नहीं हूँ कि मैं लेडीज हूँ कि मैन हूँ, इसलिए मैं बीच में आ जाती हूँ। आ जाओ। अच्छा जी ये आ गई हमारी फाइव कंटेस्टेंट्स। अच्छा हम लोग डिस्कस कर रहे थे काशी साहब में कि हम क्या करें, तो हमने ये सोचा है कि हम जिसका नाम निकालेंगे वो आउट हो जाएंगे उसमें से, ठीक है ना, हमारे कॉम्पिटिशन, क्योंकि एकदम से नाम निकाल देंगे तो मजा भी नहीं आएगा ना, तो एक एक करके नाम निकालेंगे, ठीक है। और उससे पहले मैं चाहूंगी कि बच्चे आ जाएं सारे हमारे पास सेट पे। बच्चे, बच्चे से मुराद बच्चे, 16 साल का बच्चा नहीं होता, पहले मैं बता रही हूँ। अच्छा बेटा आप जरा ले आए, जो हमारे कंटेस्टेंट्स हैं उनके हाथों से जरा बच्चों को बिस्किट भी दिला दें, कुछ अच्छे काम भी करवा दें, फिर इनको टॉर्चर कर करके हम जरा। अच्छा कि नर्वसनेस किसके, माइक किसके हाथ में है, पकड़े जरा माइक, कितनी नर्वस हो रही है। चले आप अपने हाथों से चले सारे के सारे, जरा बिस्किट पकड़ाए ना बच्चों को, और जो जो बच्चा बिस्किट पकड़ेगा वो पकड़ के वापस अपनी, हाय मैं सदके जाऊँ, हम भी बच्चे हैं, अल्लाह आपको खुश रखे बच्चे, तो मैं भी अपनी माँ की बच्ची हूँ लेकिन मुझे बिस्किट कोई नहीं देता। बिस्मिल्ला बिस्मिल्ला, ओके वन बाय वन जो हमारे कंटेस्टेंट है चले जाए ना, जरा आप भी मदद करें जाके वहाँ से बिस्किट पकड़े और हमारे बच्चों को दे। मैंने कहा थोड़ी इनसे मेहनत करवानी चाहिए बॉस, तो एक एक भाई देखिए अगर आपको तोहफा मिलने जा रहा है तो आपको भी अपने हाथों से तहफ देने चाहिए। अच्छा आप जरा माइक पकड़े ना और इधर है मेरे पास ऊपर। हाँ जी कितनी को नर्वस हैं आप इस वक्त? मेरी हार्ट बीट बहुत ज्यादा, नहीं माइक के अंदर ना बज रही है, क्या मेरी हार्ट बीट मेरे कानों में बज रही है बहुत ज्यादा। अच्छा अपने हाथों से हमारे कंटेस्टेंट्स पकड़, उसको भी पकड़ा दिया, हाँ उसको ऑफ कोर्स दे सकती हैं, वो भी बच्चा ही है। चले सारे बैठते जाएं जल्दी जल्दी, जिसको मिलता जा रहा है वो अपनी अपनी जगह पे जाके बैठे क्योंकि हमने जरा स्ट्रेस का एलिमेंट। अच्छा आपकी हार्ट बीट बड़ी तेज है, आप जरा आए ना ऊपर अब इधर और बताइए कि आपके हालात क्या हैं माइक में। हाँ पाँव कांप रहे हैं बस और कुछ नहीं, पाँव कांप रहे हैं। अच्छा जी एक और बच्चा हमारे पास सेट पे रह गया, ये किसका बच्चा है? आ जाओ आ जाओ, ये आपका है? अच्छा नहीं चले आ जाओ, इनको भी बिस्किट दे दे, मैं सद के जाऊँ। अच्छा ठीक है ओके, अब बताइए तासुरात फीलिंग सेंटिमेंट्स। पाँव कांप रहे हैं लेकिन किस्मत किस्मत, बहुत ज़्यादा नर्वसनेस फील हो रही है लेकिन इंशाल्लाह अगर अल्लाह को कबूल मंजूर हुआ वहाँ पे जाना तो इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे। पाँव के साथ टांगे भी कांप रही हैं। अच्छा आपके बाल कांप रहे होंगे साथ साथ? अच्छा टांगे टांगे बाजू पेट सारा कुछ ही कांप रहा है, इंशाल्लाह अच्छा ही करेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो आप पहला नाम निकाल लें, आप बोले इसमें मैं नहीं पढ़ रही जिनको आप एलिमिनेट कर रहे हैं। कायनात मनीर। और मेरा बच्चा, कोई बात नहीं क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ मेरा बच्चा, तालियां कायनात के लिए। मैं इसीलिए नाम खुद ही लेना चाहती हूँ क्योंकि ये बड़ा मुश्किल होता है। हिना अमजद। हिना अमजद, ओए मेरा बच्चा आउट हो गए।
कोई नहीं, जब मंजूर, जब मंजूर होगा, जब बुलावा आएगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप जाएंगी। उनके लिए भी तालियां बजा दें। ये सबसे मुश्किल पार्ट होता है इस प्रोसेस का। रीम का स्टीम में हमारे स्टीम क्यों निकाल दिया? अच्छा ठीक है, एक और। अच्छा ये आप नेक्स्ट कंटेस्टेंट जो इलिमिनेट हो रहे हैं, जोया अकरम। आई मैं सदके जाऊं। स्माइल स्माइल। वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को भी नहीं मिलता। उस रब का बहुत शुक्र है कि हम ऑन आर ओन सांस भी ले रहे हैं। ये तो पर्क्स होते हैं। अच्छा अब इन दोनों के बीच में एक जिनकी सबसे ज्यादा चीजें कांप रही थी दोनों की, वो दोनों रह गई हमारे पास। अच्छा हाय, तो अब जो नाम निकलेगा वो नाम क्या होगा सर? वो इलिमिनेट होगा, वो जाएगा, वो क्या होगा? अच्छा अच्छा क्यों, दो ऑप्शन रहे हैं, ओवर दो ऑप्शन। ये कौन सा घंटे कॉम्पिटिशन है? माइक रखे जरा अपने पास। सवाल आप दोनों से पूछना है। अगर उमरे का टिकट आपको मिलता है तो आप जाएंगी, कोई और जाएगा, क्या होगा? माय मदर, अम्मी को। अम्मी को, ठीक है। आप लाओ। हाँ, मेरी मदर का बहुत शौक है जाने का, तो इंशाल्लाह उन्हें। तो उनके साथ कौन जाएगा फिर? अगर मेरे फादर जो हैं वो उधर ही होते हैं सऊदीया में, तो फादर उधर ही होते हैं तो वो करा देंगे उनको फिर जी सारा। और आपकी अम्मी के साथ? हमारा भाई तो कोई नहीं है, तो कज़न के साथ चली जाएंगे। कज़न के साथ चली जाएंगे। अच्छा ओके, अब जो नाम निकलेगा वो एलिमिनेट होगा या वो विनर होगा? विनर निकाल लेते। अब विनर निकाल लें। अब जो नाम निकलेगा वो विनर का नाम होगा। ये दो है। राइट हैंड लेफ्ट हैंड। अच्छा पीछे पीछे ये हो रहा है, ठीक है। अब आप जो बोलेंगे राइट हैंड, राइट हैंड, ये विनर का नाम है। गुलशन। गुलशन आप बहुत बहुत मुबारक हो। तो क्या फैसला है, इनको मिलेगा उमरे का टिकट? एक सेकेंड। स्पॉन्सर्ड बाय रीम राइस मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, अ जॉइंट वेंचर बाय टू वेरी ऑसम कंपनीज, जिनका नाम आप ले लें क्योंकि प्रोनाउंस करना मुश्किल है। सो सर आपके हाथ, आप इधर ही रुके एक सेकेंड, जरा मैं आपका कुछ सोचती हूँ, आपका मैंने क्या करना है। हाँ जी, सो बहुत सी तालियां हमारी विनर के लिए। अम्मी का नाम क्या है? माइक किधर है आपका? हाँ नहीं, हाँ फरीदा। तो अम्मी को कह दो ना उमरे पे। मामा दिस इज फॉर यू, यू आर गोइंग फॉर उमरा। माशाल्लाह बहुत बहुत मुबारक हो आपकी अम्मी को। अच्छा चले अब आप जाके बैठ जाए, ये मुझे पकड़ा दे। हाँ इनका क्या करना है देखिए, उनके तो बिस्मिल्लाह के कभी डैडी की जा रहे हो तो सीखी खा रहे हो। अच्छा उनका तो चले अब्बू वहां पे है तो वो उमरा करा देंगे अम्मी को। तो अगर एक उमरे का टिकट सर और दे दें, जरूर इनकी अम्मी को दे दें। बिल्कुल दे 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 अम्मी को। रो क्यों रही हो? रो क्यों नहीं रही हो? मैं सदके जाऊं, मेरा बच्चा क्यों रो रही हो? आई मैं सदके। सर आपके हाथों से जरूर अम्मी को पैगाम तो दे दो कि उनको उम्र के टिकट लेके आ रही हो। बोल दो अम्मी को, मैं आपके लिए अम्मी उम्रे का टिकट लेके आ रही हूँ, आप और वो की दुआओं की वजह से ये काम हुआ है। बहुत बहुत मुबारक हो आपकी अम्मी को एंड थैंक यू सो मच। सबके लिए दुआ करनी है, रीम के लिए भी दुआ करनी। हाँ रीम के लिए करनी है और मेरे लिए भी दुआ करना कि मेरा वेट थोड़ा कम हो जाए। अच्छा थैंक यू सो मच सर, बहुत सी तालियां फॉर रीम राइस मिल, रीम का स्टीम रॉक्स। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये ले जाएं अपने साथ उमरे का टिकट और हम जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। इस वक्त मेरे साथ मेरी बहुत ही प्यारी बहन, एक बहुत ही ब्रिलियंट और टैलेंटेड आर्टिस्ट और उससे बढ़ के एक बहुत ऑनेस्ट और फोर्थराइट इंसान। मैं अक्सर ये सोचती हूँ कि अल्लाह ताला ने इनको टैलेंट तो बहुत दिया है लेकिन अल्लाह ताला का अगर ख़ास करम है इनके ऊपर तो वो इसलिए है क्योंकि इनकी सीरत बहुत अच्छी है। क्योंकि बहुत ब्लंट एंड आउटस्पोकन है तो लोग अक्सर सोचते हैं कि यार ये तो इनमें बहुत एटीट्यूड होगा, लेकिन जो लोग इनको पर्सनली जानते हैं वो इस बात के लिए वाउच कर सकते हैं कि जिस तरह लड़कों को कहते हैं ना यार ये तो यारों का यार है, तो ये भी यारों की यार है, एक
awesome individual. जब प्रोग्राम शुरू हो रहा था जुगन एट नाइन, तो शी वॉज द फर्स्ट पर्सन आई कॉल्ड एंड आई सेड हुमैरा जी आपने आना जरूर है. मैं बात कर रही हूँ बहुत ही ब्रिलियंट, बहुत ही टैलेंटेड हुमैरा अरशद की. कितनी प्यारी इंसान है और हर किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आती है, और इनकी जोक्स और इनकी कहानियां नेक्स्ट लेवल की है. लेकिन अभी नहीं, अभी फौरन नहीं. हाँ, अभी फौरन मिनट के बाद. हाँ, फौरन क्योंकि मैं आपकी फाइन हूँ ना. हाँ. आपको पता है साथ का. अच्छा, हुमैरा जी प्रोग्राम पे होके जाती है, उसके बाद फॉर वीक्स धरबे में इनकी जोक्स क्रैक कर रही होती है, और लोग कहते हैं उन्होंने ठीक सुनाई थी, तुम्हारा ही काम है, तुम चुप्पी कर जाओ, तुम तो जोक की टांग तोड़ देती हो. अच्छा, एंड देन वी हैव अ यंग टैलेंटेड आर्टिस्ट विद अस, शी इज अ मॉडल एंड एक्टिंग की फील्ड में भी रिसेंटली इन्होंने कदम रखा है. आमना जमाल हमारे साथ हैं. अस्सलाम वालेकुम. बताओ अपने लिए तालियां मेरा बच्चा. एंड देन ऑफ कोर्स सेट पे, जैसे कि आपको पता है कि हम कुछ सेमी परमानेंट मेकअप भी कर रहे हैं. अच्छा उमेर जी, ये बताएं कि ये जो एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है कि हम नाउ आप अपनी सेमी परमानेंट बेस लगा सकते हैं, एज इन सिक्स मंथ्स के लिए आपकी बेस भी लग सकती है, यू कैन मतलब अपने लिप्स को आप कलर कर सकते हो, आईब्रोज को परमानेंट, इसके बारे में क्या ओपिनियन है आपका? मेरा ख्याल ये अच्छी चीज़ है जो हमारी फीमेल जैसे काम करती हैं, वर्किंग वूमेन हैं, उनको बार बार जो है मेकअप करना पड़ता है. हमारे जैसे लोगों के लिए कितना अच्छा ऑप्शन है, कितना ज़्यादा हम लोग जो है फिर स्किन भी ख़राब हो जाती है, एक्नी निकल आती है, बहुत से और मसले मसाइल होते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है. मेरा ख्याल है बहुत सारे लोगों को ये करवाना चाहिए. आई एग्री, बिकॉज बात है कि देखिए अगर तो आप मेकअप लगाते ही हैं तो मे बी एक सेमी परमानेंट ऑप्शन जो है वो जिंदगी जरा आसान कर देती है. बहुत से ऐसे आर्टिस्ट मैंने देखे हैं जिस तरह मेरी आंखों के नीचे हल्के जो है वो बहुत डार्क हैं, मैं बेस जरूरी नहीं है मुझे लगाना है, लेकिन मेरी जो अंडर आई है उसको कंसील करना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. और कभी कभी वो था ना बंदा रात को जिस तरह रात को इवेंट्स की होस्टिंग की हो, आपने रात को ज्यादा प्रोग्राम बैक टू बैक शोज है, हां वापस आए तो काफी प्रॉब्लम होती है, तो ये मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा ऑल्टरनेटिव है. अच्छा यहाँ पे हो क्या रहा है जरा बताएंगी सैरिश के, क्या कर रही हैं आप? बेसिकली शेडिंग करें, इसमें डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, जैसे नैनो स्ट्रोक्स होते हैं, नैनो स्ट्रोक्स ज़्यादा रियलिस्टिक टाइप के आईब्रोज बनाने के लिए, जैसे जो मिडल एज टू वेरी एजड वेमेन जो बहुत नेचुरल चाहती हैं, जो जिनको लगता है कि बिल्कुल आईब्रोज जो है ना वो बाल लगे हुए हों, या एलोपेशिया के पेशेंट्स जिनके होते ही नहीं आईब्रोज, तो उनके लिए वी यूज़ नैनो स्ट्रोक्स टेक्निक, उसमें डिफरेंट नीडल यूज़ होती है. और जो जैसे यंग मॉडल्स हैं या यंग हैं, जैसे ये हमारे पास वॉलेंटियर है, तो इसमें हम शेडिंग करते हैं, शेडिंग वाला जो इफेक्ट होता है वो इस तरह देता है जैसे आप अपना पाउडर लगाते हैं आईब्रोज में. Okay. तो उस तरह का फिलिंग इफेक्ट देता है बेसिकली. सो बेसिकली अभी क्योंकि इनके अभी आईब्रोज में देख रही थी जरा काफ़ी डार्क हो गए. Exactly. तो ये दो तीन दिन में लाइट होंगे, ये दो तीन दिन में लाइट इस तरह से होंगे, क्योंकि पहले ये क्रस्ट बनेगा, वो क्रस्ट ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, स्कैब ऑफ हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद बहुत लाइट सा शेड सा नजर आएगा. ओके, सो यानी कि ये जो एक डार्क से हमें पैचेस, देखिए हम बिफोर एंड आफ्टर आपको दिखाएंगे जाके आगे. अच्छा, उसके अलावा हम क्या कर रहे हैं? उसके अलावा हमने बीबी मीजो ग्लो जिसको कहते हैं, जैसे बीबी क्रीम लगाती हैं लड़कियां, जिसको फाउंडेशन इफेक्ट भी कहते हैं, वो सिक्स मंथ्स तक हमने ऑलरेडी वो लगा दिया है, पेनिट्रेट करा दिया है, ठीक है. सो दोनों प्रोसीजर्स आप देख लें, वो बहुत आराम से करा रही हैं, तो पेनलेस है. पेनलेस है, यस. ऑसम सैरिश, ऑसम. तो वो अगर कर रही हैं तो आप आके बैठ जाना हमारे पास, अगर अगर आपका वहाँ होना जरूरी नहीं है. मैं बैठ जाती हूं. मैंने कहा आप आके हमारे पास रिलैक्स करें और चिल करें. अच्छा हुमैरा जी, सबसे पहले तो ऑफ कोर्स बिकॉज आई हियर कि दो बड़ी ही एक्साइटिंग चीजें, सैरिश मेरा सैरिश. अच्छा, सो क्योंकि दो नए सॉन्ग्स एक जी साथ, हाँ, एक साथ. What's the story? ये एकदम से हुआ, इस पे काम हो रहा था काफी? नहीं, इस पे काम हो रहा था, और मेरा दिल था कि मैं ये जो सॉन्ग है, मेरी जो फेवरेट होस्ट है, मेरी बहन है, उनके शो पे जो है वो करूँ. एक और मेरी बहन है और एक आप है, तो मेरा दिल था कि आपके शो पे जाके मैं जो है ये गाने अपने जो हैं वो ज़रूर सुनाऊँ. एक्साइटेड थी आपके शो के लिए ताकि मैं अपने नए गाने जो हैं वो गाऊँ, तो क्योंकि जब तक आप ना सुने गाने तो गानों का फिर मजा नहीं है ना काम करने का. बट तो दाद भी तो लेनी चाहिए, दाद तो लेनी चाहिए. और बात ये कि एक्चुअली जब भी हुमैरा से मुलाकात होती है, मैं कहती हूँ प्लीज़, क्योंकि हुमैरा के सॉन्ग अगर सॉफ्ट सॉन्ग है तो लिटरली वो आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपको किसी ने ऐसे करके पकड़ लिया जब हुमैरा के सॉफ्ट सॉन्ग्स गाती हैं, और जब वो अपबीट की तरफ जाती हैं तो इंसान की रूह भी जाग जाती है, खुद तो ज्यादा यहाँ ही रूह जाग कैसे उठ के बैठ जाती है. सो द पॉइंट इज, और आर्टिस्ट को इतना ही वर्सिटाइल होना चाहिए, उन्हीं सिंगर्स को हम इंजॉय करते हैं ना सुनना जिनमें वर्सिटिलिटी हो, वरना जिस तरह माइकल बोल्टन है वो एक ही किस्म के गाने गाते थे. बहुत से हमारे सिंगर्स हैं जो एक ही किस्म के गाने गाते हैं. बट नाउ पीपल लाइक माइकल जैक्सन, मडोना, ये वो लोग हैं जिन्होंने
एक रेंज दी है, रेंज दी है बिल्कुल. हमारे भी पाकिस्तान में बहुत वर्सटाइल सिंगर्स हैं मौजूद माशाल्लाह, बहुत अच्छा काम करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो है वो काम करते हैं. बट हमारा आप रैट रेस का ऐसा नहीं बनती कि अगर ये चीज़ आजकल पॉपुलर है तो सिर्फ मैं यही करूँ. नहीं, मैं आप अपने मिजाज के मैं किसी को फॉलो नहीं करती और बिल्कुल मेरा एक अपना है कि मैं अपने ही थीम पे काम करती हूँ और मैं किसी को नहीं कि क्या ट्रेंड है क्या नहीं है क्या ऐसे नहीं है, क्योंकि ट्रेंड आपने खुद देना होता है, लोगों ने उसे फॉलो करना होता है. तो जो लकीर के फ़कीर होते हैं वो दूसरे के ट्रेंड को फॉलो करते हैं, तो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं किसी दूसरे के ट्रेंड को फॉलो ना करूँ. तो मेरा जी, बीइंग अ ट्रेंड सेटर, हम पहला सॉन्ग कौन सा आपका सुनने वाले हैं जो आज हम पहली दफ़ा आप लोगों के साथ रिवील करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे, और बाय द वे ब्रेक के बाद मैं आपसे पूछूंगी भी कि आपको सॉन्ग कैसा लगा है. पहला सॉन्ग हम कौन सा सुनने लगे? पहला सॉन्ग है कि यार तेरे मिलने लिए असी नाके तोड़ के आए. तो ऐसा भी तो होता है. वो कभी कभी नाके टूटते हैं, कभी कभी नाके टूटते हैं. तो ये दोनों ही बीच ये दोनों ही चीज़ें. मेरा जी, ओवर टू यू. ओवर टू यू. हमारे बहुत ही प्यारे बड़े भाई जो हैं वो तालियां बजा रहे थे, वो भी चाह रहे हैं कि उनका ओपिनियन भी लिया जाए. एक बहना भी हैं, वो भी बात करना चाहेंगी. तो बहना आप पहले बात कर लें, फिर भाई को. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. और सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी. आप दोनों मेरी मैं आपकी बहुत फैन हूँ दोनों की. और हुमैरा जो है वो मेरी शुरू से बहुत फेवरेट हैं. इनके हर सॉन्ग को मैं मतलब हम लोग इंतजार करते हैं कि इनका सॉन्ग कब आए. और सबसे पहले जब इन्होंने ये गाया था सदा हूँ अपने प्यार की, सबसे फेवरेट मेरा सॉन्ग है. और आज जो इन्होंने गाया वो तो कमाल कर दिया है, वो तो जबरदस्त है, ऑसम. भाई गिफ्ट हैंपर तो बनता है रिवाज का, एक तो रिवाज का गिफ्ट हैंपर. अच्छा, पीछे में जो मेरे बहुत ही प्यारे भाई हैं उनकी तरफ जाएंगे. जी क्या कहेंगे भैया आप इनसे? मैं ये तो नहीं कहूँगा, मेरे बचपन से इनका जवानी का इनका फेवरेट, मतलब फेवरेट है मेरी. और इनके काफी सारे गांग मतलब मेहंदी के सॉन्ग जो हैं या दूसरे मतलब गुच्चुम गिटेनू वाले वो सॉन्ग. आप ये देखेंगे जो मुझे बहुत इनकी अमेजिंग चीज लगती है कि एक बहुत ही यंग एज पे, बेली अपने टीन्स में थी तब ये म्यूजिक की फील्ड के अंदर आई. और वो जो कहते हैं ना कि जो मैच्योरिटी आपको 40s 50s में आती है वो माशाल्लाह एक बहुत यंग एज में हुमैरा जी के अंदर आ गई. यंग एज में आ गई बिकॉज़ शी वाज अ बेबी हरसेल्फ व्हेन शी केम इनटू द इंडस्ट्री लिटरली. सो द पॉइंट इज वही चीज है कि बहुत कम आर्टिस्ट होते हैं जिनको सस्टेन्ड टाइम इतने इतने कम इतने कम अरसे में इतना ज्यादा फेम मिल जाता है, मतलब वो बहुत कम आर्टिस्ट के हिस्से में आते हैं. और देखिए कि इनको कम अरसे में फेम मिला और फिर उन्होंने उसको सस्टेन किया माशाल्लाह, मेंटेन भी रखा. भाई बहुत सी दुआएं करनी है हुमैरा के लिए. बाकी नहीं, अल्लाह करे जी, इनका ये नया सॉन्ग आया है बहुत मकबूलियत, जितनी पहले गाने मकबूलियत गए हैं उतने ही ये भी जाएं इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच. आमीन. थैंक यू. थैंक्स भाई. मैं आपके पास आऊंगी सिर्फ तब पूछने के लिए आपका ओपिनियन, अगर आप मानेंगे कभी आपने भी नाका तोड़ा भाभी के लिए बताएंगे तो फिर मैं मानूंगी. भाई नहीं तोड़ा कभी नाका, मान नहीं सकते ना आजकल. पकड़ दो नाके तोड़े हैं उनके पास माइक ले जाएं. जी अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. मैं हुमैरा जी की इतनी फैन हूँ कि वो इनका गाना है ना चूड़ी काचरी, मैं उस पर इतना डांस करती थी, किसी की भी शादी होनी उस गाने पे बहुत डांस किया. आज नहीं कर सकते हम थोड़ा सा मिलके दोनों बहनें साथ. नहीं, आज स्टेज टूट जाए. अस्सलाम वालेकुम. आज स्टेज टूट जाए. अच्छा, गार्नियर का गिफ्ट हैंपर वहाँ पे पहुँचेगा. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम. मेरा जी का बहुत अच्छे वो टप्पे जो गाती हैं बहुत जबरदस्त माशाल्लाह, हम लोग सब बहुत फैन. मुझे बताएं हुमैरा जी की कौन सी चीज अच्छी नहीं है, ये हमारा सवाल. बहुत जबरदस्त, वेरी गुड, ऑसम, माशाल्लाह. दोनों को गार्नियर की तरफ से गिफ्ट हैंपर मिलेगा. ओके, हुमैरा जी सॉन्ग के बारे में बता दे ताकि फिर हम जरा आमना से भी कोई बातचीत कर ले. हां बिल्कुल. जब हुमैरा आती है ना हर कोई ओवरशैडो हो जाता है, प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है. बहुत शुक्रिया. ये गाना साजी अली साजी ने इसको कंपोज किया है और इसका म्यूजिक मुश्तबा अली चोनी ने बनाया और लिखा भी साजी अली साजी ने. ओह हाउ ऑसम. और चार गाने और हैं जो हम और कर रहे हैं, पूरा एक एल्बम कर रहे हैं. अभी ये दो गाने हुए हैं, इंशाल्लाह वो दो गाने भी जो आगे दो दो करके हम गाने मुकम्मल कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह वो भी आप ही के शो पे, उसका भी हम जो है वो आप ही के शो पे हम लोग फर्स्ट टाइम गाएंगे इंशाल्लाह. दोस्तियों का फायदा ये होता है कि फिर अपने हिस्से में आ जाती है वो चीजें जो दूसरे ख्वाहिशमंद होते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा आमना, टेल मी, मीडिया की तरफ रुझान कैसे हुआ मेरे बच्चे?
एक्चुअली मेरा खुद का कोई रुझान नहीं था एज सच, जस्ट मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बोला कि तुम मॉडलिंग करो, तो आई जस्ट सेंड माई सेल्फीज टू अ ब्रांड कॉल्ड क्रॉस रोड्स, तो उन्होंने मुझे अपना पहला कैंपेन करा लिया उसी तरह. देन आई हैव स्टार्टेड डूइंग मॉडलिंग एंड. ऐसा भी होता है लोगों के साथ, तस्वीरें भेजते अगले कहते हैं आ जाओ. अच्छा, और ये बताएं कि मॉडलिंग की फील्ड में आप कितनी देर हो गई आपको? One and a half year. एक तो हो गई शूट, बट उसके बाद फिर बाकी की प्रोसेस कैसे स्टार्ट हुई? फिर उसके बाद मैंने अपना पोर्टफोलियो ऑफिशियली बनाया कुछ फोटोग्राफर से, उसके बाद मैंने स्टार्ट करना शुरू कर दिया डिफरेंट ब्रांड्स के साथ काम करना. है ना, इतनी आसान है मॉडलिंग जितनी लगती है? बहुत मुश्किल है ना. यही होता है ना मैडम जी, कि हम लोग किसी को अपनी फील्ड जो है वो मुश्किल लगती है, दूसरे की फील्ड जो है वो आसान. और बहुत कॉम्पिटिशन है, लाइक बहुत सारी मॉडल्स हैं और आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है और थोड़ा सा लोग एक्सप्लॉइट करने की भी कोशिश करते हैं, बट इट्स ओके. नो, इट्स नॉट ओके, इट इज नॉट ओके. टाइम्स अप, ये जो एक नया है ना कि टाइम्स अप, इट्स नॉट ओके. बहुत हो गया, बहुत बकबक खवातीन ने भी सुन ली, मर्दों ने भी सुन ली. अब हम उस स्टेज पे आ गए हैं जिंदगी में जहाँ पे एक महजब डिसेंट इंसाज में, मैं ये नहीं कह रही कि पागल हो जाए, दीवाने हो जाए, अपने कल्चर को, अपने अपने वैल्यूज को भूल जाए, लेकिन ये जरूर है कि अगर औरत मर्द के साथ चाना बशाना काम कर रही है तो फिर उसको उतनी ही रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए जितनी मर्द को मिलती है, और एक लिहाज और एक रिगार्ड के साथ आगे बढ़ना चाहिए. क्योंकि देखिए, मेरे दो बेटे, उन दोनों को ये सिखाना और उनको ये तरबियत देना कि बेटा आपने रिस्पेक्ट के साथ खवातीन के साथ काम करना है, रिगार्ड के साथ काम करना है. अगर स्कूल में आपका किसी लड़की के साथ झगड़ा हो भी जाता है, वो आप पे हाथ उठाए भी तो आपने आगे से हाथ नहीं उठाना. ये चीजें हमने सिखानी अपने बच्चों को. बट अक्सर माँ बाप इसलिए नहीं अपनी बेटियों को भी प्रॉपर गाइड करते क्योंकि वो कहते हैं इसको तो हमने वैसे ही स्कूल नहीं भेजना, तो फायदा क्या है, या अगर ये पढ़ भी लेगी तो हमने कौन सा ऐसे काम करने देना है. ये सोच लोगों की गलत है कि लोग अपने बच्चों बेटियों को काम नहीं करने देते. वो अपनी बेटियों को इसलिए काम नहीं करने देते क्योंकि उनको सोसाइटी से डर लगता है, इसलिए नहीं क्योंकि उनको अपनी बच्चियों के ऊपर एतबार नहीं है. तो सोसाइटी को सीधा करने के लिए और उसकी इस्लाह करने के लिए हमें भी थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी. मुझे लगता है कि पर्सनली माँ बाप को बच्चियों को जरूर स्टैंड करना चाहिए, कोई ना कोई हुनर उनके हाथ में जरूर देना चाहिए ताकि जब उनकी शादी हो या उनकी लाइफ में कोई भी मसला मसाइल हो तो जो भी हमारी बच्चियाँ हैं वो सिर्फ इस वजह से पीछे ना रह जाएं और माँ बाप के घर में दोबारा आके बोझ ना बने कि उनको कुछ भी आता नहीं है. और जो हमारी फैमिलीज हैं जिस तरह बातें करते हैं या जिस तरह उन्हें निगलेक्ट करते हैं या जिस तरह उनको बातें लगा लगा के पिंच करते हैं, वो चीज़ें ना हों. अगर कोई लड़की जो है वो कमाना खाना जानेगी तो वो ज़रूर अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने आने वाले वक्त को, हस्बैंड बीमार हो जाता है या कुछ भी, अपना घर ज़रूर चला सकती है. माँ बाप को ज़रूर अपनी बच्चियों को जो है एजुकेशन देनी चाहिए. डॉक्टर साहिबा, आप क्या कहोगे? आपका ओपिनियन बहुत मैटर करता है. अच्छा सा टॉपिक है. कंसीडरिंग दिस व्यू, मैंने यहाँ पे 2 साल हो गए पाकिस्तान में ट्रेनिंग स्टार्ट की हुई है जिसमें मैं सेमी परमानेंट मेकअप, लैश एक्सटेंशंस, क्योंकि ब्यूटी रिलेटेड कोर्सेज, मेकअप वगैरह तो सभी सीखते हैं और ये चीज़ इतनी कॉमन हो गई है कि इसका एक स्कोप आप समझ ले ख़त्म हो गया, जैसे किसी भी फील्ड में सैचुरेशन हो जाता है. लेकिन अभी भी मुझे लगता है क्योंकि मेरा एक सेंटर लाहौर और कराची में है और हमारे पास जी दुबई में भी, तो अभी मुल्तान से और जो दूसरा साउथ पंजाब है वहाँ से बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं. अब वो उनके लिए आसान नहीं होता यहाँ आना. तो मैं जो ट्रेनिंग्स ऑफर करती हूँ उसमें ये होता है कि डिफरेंट जो बच्चियाँ हैं और उसमें ज़रूरी नहीं होता कि आपके पास बहुत ज़्यादा एजुकेशन होनी चाहिए. हम ट्रेनिंग के अंदर सारे वो स्किल्स सिखाते हैं ताकि उनके अंदर ये स्किल्स आ जाए और वो अपने अपने सिटीज़ में इस चीज़ को स्टार्ट कर सकें. ओके, और सब बात यही है ना व्यूअर्स के आगे से लोगों को एम्पावर करना है. जिस तरह हुमैरा जी भी जो यंगर आर्टिस्ट और जो यंग टैलेंटेड लोग आ रहे होते हैं उनको भी इनकरेज करती हैं, उनको गाइड भी करती हैं, उनको प्लेटफॉर्म्स भी देती हैं. मैं एक बात बताऊं, जब बंदा, जब कोई लड़की कामयाब नहीं होती ना, उसको 100,000 बंदा रोकने के लिए आ जाता है. लेकिन जब वो अपनी फील्ड में कामयाब हो जाती है तो जो उसका रिश्तेदार नहीं भी होता ना, वो भी कहता है वो जो फलाना है ना, वो मेरा कज़न है या मेरी वो कज़न है या समथिंग है. तो इसलिए ख़वातीन को जो है किसी को नहीं देखना चाहिए, अपनी लाइफ को देखना चाहिए, अपने लिए, अपने आने वाले वक्त के लिए खुद को ज़रूर पांव पे खड़े होना चाहिए. ऑसम, ऑसम. अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं अपनी गेम की तरफ. कौन से दो लोग आके हमारे साथ गेम खेलेंगे? कौन से दो लोग आएंगे? कौन 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 कौन? वो पीछे नुक्कर में जो मेरा भाई बैठा हुआ ना, जल्दी से आ जाए, जल्दी आए ना, आ जाए. अच्छा, और
कौन आएगा, गुब्बारे फुलाने हैं, आप आ जाए भाई। हाँ आप आ जाए, ठीक है, जल्दी जल्दी जल्दी। अच्छा, ग्रीन गुब्बारास एंड रेड गुब्बारास होगा ये। ये गेम हम पहले भी बड़ी दफा खेल चुके हैं। मेरा जी आप, मैं बिल्कुल देखूंगी कि क्या गेम होने लगी। और इन्होंने जो बातें कर करके आसान है ना, अगले की अगले की भूख वहीं पे रह जानी है। अच्छा, ये हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कप्स हैं, ठीक है। इन 10 के 10 को आपने गुब्बारे में हवा भरनी है और हवा से इनको गिराना है, मगर उस साइड पे गिराना है, ये नहीं कि इधर कर रहे हैं और उधर कर रहे हैं, स्ट्रेट स्ट्रेट करके करना है एंड वन एट अ टाइम, ठीक है। एक मिनट के टाइम में जो मैक्सिमम गुब्बारे कप्स को उधर, सांस मजबूत है ना ये ग्रीन वाले, अच्छा गुब्बारे इसके मैं ज्यादा दे रही हूँ क्योंकि कभी कभी वो हट भी जाते हैं। तो स्टार्ट कौन करेगा, पहले पूछ लो ना। मैंने कहा सांस वांस है ना, एक ही गुब्बारा फुला के उसके बाद ग्लास की बजाय खुद हवा है। हाँ जी, पक्की बात है, मुंह से निकलने वाली हवा है ना, मुंह से निकलने वाली। डंडा ने आपका नाम रमजान, रमजान रमजान बिल्कुल ठीक है। हाय रमजान के साथ, रमजान डरा डरा आ रहा है। एक मिनट ये गेम मैं उठा लूं। अगर आप डरोगे तो आप खेल नहीं सकोगे, अगर डरोगे तो तभी मरोगे। हाँ। अच्छा मेरा जी एक बात है, हाँ इसके बाद हम फिर आएंगे वापस। अच्छा 30 सेकंड मिल रहे हैं, 30 सेकंड मिल रहे हैं हर कंटेस्टेंट को। वन, उधर से जाके, वन टू थ्री गो। हाय हाय रमजान, हवा तेज तेज स्पीड, और इसकी इस तरह की आवाज नहीं निकालनी, आवाज नहीं ऐसी निकालनी, समझ आई है। हवा भर के उनको गिराना है, चारे इतना बड़ा गुब्बारा स्पीड से हवा भरनी है और फिर ओके वन टू थ्री गो। गिराओ जल्दी, गिराओ 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 गिराओ, वन जल्दी 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 जल्दी, टू बिल्कुल सही जल्दी, रमजान उतर हवा हवा, अभी तो कहा था हवा है, नहीं वो वैसे माशाल्लाह बहुत अच्छी हवा फेंक रहे, वो हवा फेंक रहे बट वो एक ही हवा हो रही है। चलिए कितने सेकंड हो गए, ओके वेरी गुड, 9 4 3 2 1 स्टॉप, चार रह गए यानी कि 6 कप्स गिराए। अच्छा वैसे वो उसको भी मान लो क्योंकि उस बेचारे ने पहले बहुत बड़ा गुब्बारा फेंका था, तू अपने हिसाब किताब लगा ले बंदा बान। अच्छा आपका नाम बेटा, मोहम्मद नबील, नबील आपकी हवा के हालात क्या है? सवाल है किसी से पूछ, उसको बहुत खुशी हुई होगी कि तुमने उसे बेटा कह दिया, उसको लगा होगा मैं नन्ना मुन्ना बच्चा, आपको पता सबके सबको हम नन्ने मुन्ने बच्चे, नन्ना मुन्ना बच्चा नहीं तो आर्टिस्टों को हर कोई यही कहता है, मैं बचपन से आपका फैन था। कभी कभी मैं कह देती हूँ कि मेरे बचपन से क्या अपने दोनों के दोनों के। अच्छा ओके सो 6 ये कप्स आ गए हमारे पास, आ जाइए बॉस, 1 2 3 गो, 1 2 एक तीर से दो निशाने, एक तीर से ओए ओए 3 भाई हौसला देने के लिए ताली चाहिए ना, 7 6 5 4 3 2 1 0 हो गया था थोड़ी देर पहले, ये नहीं काउंट होगा, ये उतने, नहीं काउंट होगा, उतने ही थे, ये काउंट नहीं होगा क्योंकि वो हो गया था टाइम खत्म बॉस, नहीं नहीं वो पहले हो गया था, वो हो गया था बॉस आपका, जबरदस्ती नहीं गया था। अच्छा ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आके बात करेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, मसला ये है कि नबील साहब ने भी 6 कप्स गिराए आगे ब्रेक से पहले, और रमजान ने भी, रमजान को तो बकायदा मुझे एक लेसन देना पड़ा कि भाई किस तरह यूज करना है। दोनों ने कमिटमेंट की थी कि इनके अंदर हवा सही भरी हुई है, लेकिन मुझे लग रहा है दोनों लड़कों के अंदर हवा जरा कम है, एक तो दोनों बच्चे जो है अपनी खुराक ठीक करें,
ठीक है ना, थोड़ी सी। अब सवाल ये है कि आ जाना इधर दोनों करीब, वो डर रहे हैं कि शायद मैं मारूंगी। देखिए मैं तो नहीं मारूंगी, घर वाले शायद आपको मारे कि तोहफा क्योंकि नहीं लेके आए, क्योंकि ये हमारा रॉयल फैन का एक सिलसिला होता है। आ जा मेरा बच्चा जरा ले आओ। तो अब पंखा एक है, लोग दो हैं, क्या करना है? एक को नीचे स्टैंड दे दो ना, एक को चिक्कू दे दो। एक को स्टैंड दे दो, एक नीचे का वो दे दो। अच्छा तो स्टैंड किसको चाहिए? स्टैंड आपको दे दो, आपको ऊपर वाला हिस्सा चाहिए, आपको स्टैंड दे दो नीचे वाला, ठीक है? कोई तो हिस्सा पंखे का मिल जाए, कंफर्म बात है। अच्छा तो ऐसा करते हैं कि क्या करें, क्या करें, इनको टॉस कर दूं मैं? अच्छा टॉस कर लें कि किसको, किसी को ये नहीं ख्याल आया कि दोनों को दे दे पंखा, किसी को ये ख्याल नहीं आया, किसी को ख्याल नहीं आया। बड़े बड़े चलो दोनों एक एक पंखा उठा के ले जाओ अपना रॉयल फैन का। थैंक यू टू रॉयल फैन। गाना सुनाने वो कह रहे मैं एक और गिफ्ट लेके जाऊं। चल रमजान गाना सुना। कह रहे कि मैं एक और गिफ्ट लेके जाऊं। हुमैरा ने फाड़ लिया कि मारे ना ना है कि किधर, हुमैरा जी को डेडिकेट करना है। चल सुना, आ जाओ रमजान। हेलो ओए मराए के मर सडे यार, हे कुजी बिन अनु सडा प्यारी वे, हे कोई डोले हेदा कोई माई हिदा, जरा तेरा मन लकदा बिसे बिल्ला कर, बिसे बिल्ला कर। रमजान भाई यू रॉक, टेक योर पखा एंड सिट डाउन। रमजान भाई के लिए तालियां। अच्छा ओके, नाउ हुमैरा जी ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ब्रेक में रेज किया मेरे पास कि दो लोगों को तो उमरे के टिकट मिल गए, लेकिन जिन लोगों को उमरे का टिकट नहीं मिला, कुछ ना कुछ तो हम आपको जरूर देना चाहेंगे। तो किन को उमरे का टिकट नहीं मिला? नहीं, ये लोग क्यों बढ़ गए हैं एकदम से? अच्छा एक दो, आपको तो मिला है ना उमरे का टिकट? अच्छा आपको नहीं मिला, आपको नहीं मिला और आपको नहीं मिला, जिनका नाम निकला था। एवं अपने हाथ क्यों उठा रहे हो, सारे झल्ले हो गए हो, सारे झल्ले हो गए। तो आप तीनों को हम रॉयल फैन की तरफ से एक एक फैन देंगे। आई नो कि इट्स नो कॉम्पनसेशन, बट एक जेस्चर है क्योंकि आज फिर आप लोगों ने एक एफर्ट किया आने का। तो जो तीनों हमारे कंटेस्टेंट्स नहीं विन किए, उन तीनों को रॉयल फैन की तरफ से हम एक एक पेडेस्टल फैन देंगे। थैंक यू सो मच। वेरा जी नेक्स्ट सॉन्ग कौन सा है? नेक्स्ट सॉन्ग बहुत अच्छा है मेरा, उसके बाद मैं आपकी फाइन बन जाऊंगी। जरूरी है, जरूरी है। तो अब हम नेक्स्ट सॉन्ग की तरफ आ जाते हैं क्योंकि वो भी अशद जरूरी है और उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे। ओवर टू यू मैडम। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। और किचन में शेफ मेजबीन, इतना सब कुछ हो गया हमारे इर्द गिर्द, हमें पता ही नहीं चला। बिल्कुल ऐसे कितना ऑसम गाना हुमैरा जी ने सुनाया, बहुत ज़बरदस्त। ऐसा लगा कि सेट क्लब बन गया है। और रमजान भाई ने तो नाच नाच के स्टेज हिला दिया, कुछ लोग जलजला समझ के निकलने वाले थे, हमने उनको रोक दिया। क्या सिचुएशन है किचन में? चिकन हमारी दोनों डिशेज रेडी हो चुकी हैं, चॉकलेट चिप ट्राइफल वो भी रेडी है और स्पाइसी चिकन बिरयानी वो भी रेडी है। रायते सैलेड के साथ इसको मैंने सर्व किया है और देखिए चावल एक एक दाना अलग अलग बना है भाई। रीम का सीन के राइस कुछ ऐसे ही हैं एंड रीम राइस मिल्स का एक बड़ा ऑसम इनिशिएटिव है और एक्चुअली एक एक दाना जो है वो तीन गुना ज्यादा बड़ा हो गया, एक्चुअली इतने बड़े बड़े दाने हैं। बिल्कुल ऐसा एक दाना यूज़ आई मीन द पॉइंट इज आपको दिखाने का रीजन ये है कि पता होना चाहिए कि अच्छा चलो वापस डाल दिया ना डोंगे में, चलो जो भी खाएगा सो खाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके आते हैं जरा यहाँ पे, अच्छा बिफोर की तस्वीर देखेंगे, वो जो डॉक्टर साहिबा ने यंग लेडी उठाई थी उनकी बिफोर की तस्वीर देखते हैं। अच्छा अब देखते हैं कि आफ्टर, आईब्रोज कुछ स्पासी थी, स्किन में थोड़ी सी डिस्कलरेशन थी, मतलब जो ना जो थोड़ा सा पैचीनेस आ जाती है, एक नेचुरल चीज होती है। तो अब देखते हैं आफ्टर, आईब्रोज से बड़ा फर्क पड़ता है व्यूअर्स, जब आईब्रोज आपकी ऑब्वियसली आप बता रही थी कि ये भी डार्क है। हाँ ये भी डार्क है और आहिस्ता आहिस्ता ये बिल्कुल नेचुरल लाइट हो जाएंगी। मतलब इस तरह की भी टेक्निक्स हैं कि आपकी फ्रेंड्स को भी नहीं पता चलता एंड दे आर अ पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी, बिल्कुल ऐसे लगता है आपकी अपनी आईब्रोज है।
उसके अलावा बीबी मीजो ग्लो वाला जो हमने किया है वो पूरे बेस जो इनको लगाई है वो बिल्कुल इनके कॉम्प्लेक्शन के साथ हम मैच करके लगा सकते हैं. okay. अभी भी हमने इनको मैच करके लगाई है बेसिकली. और आपको असिस्ट कर रही थी? मारिया इज ऑलवेज माय असिस्टेंट, आई एम केयरिंग हर एवरीवेयर. कराची भी आती है मेरे साथ ही. अरे आप दुबई लेके जाए तो मजा आएगा. बात तो ये है और अगली बार मुझे भी साथ एवी टोंग लेना साथ में. एनीवे बहुत सी तालियां डॉक्टर साहिबा के लिए. आर यू हैप्पी? आर यू सैटिस्फाइड? लाइक इट? ऑब्वियसली आईब्रोज भी देख के मुझे भी लग रहा है कि डार्क है, बट इन्होंने सबसे पहले ये बात कही थी कि क्योंकि ऑब्वियसली एक आप एक लेयर लगा रहे हैं वो जरा जैसे बाल डाई भी करते हैं तो उसका प्रॉपर कलर आने में एक दो दिन लगते हैं. तो अगर आपने जैसे कि ये कराना है, आप वर्किंग लेडी हैं, आपको कंसर्न है कि झड़ा होगा, तो आप फ्राइडे को करा लें इंशाल्लाह. मंडे तक, मंडे यू आर गुड टू गो. यू आर गुड टू गो. बहुत सी तालियां डॉक्टर साहिबा के लिए. ऑसम, थैंक यू सो मच. कम डॉक्टर साहिबा, वी विल सिट. एंड हुमैरा जी, ये जो सेकंड सॉन्ग हमने अभी सुना है, अभी तक दिल तेज तेज धड़क रहा है, काफी देर पहले हमने सुन लिया. ये हु रोट इट, ये भी उसी कलेक्शन का? हाँ जी, ये भी उसी का ही है. ये भी साजी अली साजी ने इसको कंपोज किया है और मुश्तबा अली चोनी ने इसका म्यूजिक दिया और लिखा भी जो है वो साजी ने ही. सो ये दो सॉन्ग हो गए, अब चार और है, राइट? हाँ, चार और. सो सिक्स है इस कलेक्शन के, और वो सारे अपबीट एंड डिस्टेंस्ड हैं? हाँ, अपबीट. यू नो मुझे तो ये लगा है कि ये टिपिकल ये वो वाले सॉन्ग्स हैं जो मेहंदियों पे, ढोलकियों पे, अदरवाइज भी जब गेट टुगेदर्स होते हैं, वो तो ना जब हम, मुझे याद है हम जब छोटे होते थे तो सारी फ्रेंड्स वगैरह जब जमा होती थी तो ये भी म्यूजिक लगा लिया, आपस में मिलके थोड़ा सा डांस करें, एंजॉय करें. मुझे इसी तरह के गाने, मैं खुद भी ऐसी हूँ तो मुझे जरा बीट के गाने जो हैं वो मुझे अच्छे लगते हैं. मुझे ज्यादा वो जो होते हैं रोने धोने वाले, वो जरा, वो भी उनकी भी एक लिसनर हैं उनके भी, लेकिन मुझे ये पर्सनली लगता है कि मेरी आवाज जो है वो अपबीट गानों में जरा ज्यादा सूट करती है. खैर, आई लव योर सॉफ्टर सॉन्ग्स एज वेल, जो आपने कुछ गाए हैं, आई रियली एडमायर एंड वो तो कहते हैं ना, क्योंकि आपकी जिस किस्म की आवाज है लोग सोचते हैं कि जरा सॉफ्टर सॉन्ग शायद मैनेज ना कर पाए. रेंज है बट चॉइस आपकी है. हाँ, ये तो है. राइट, व्हाट्स गोइंग ऑन दीस डेज यंग लेडी? Not much. क्या वेब सीरीज की है? Not much. वेब सीरीज की है, एक एपिसोड और ऑडिशंस दे रही हूँ फीचर फिल्म्स के, और नथिंग, और बस मॉडलिंग चल रही है बस. बट ज्यादा एक्टिंग या मॉडलिंग की तरफ? ज्यादा मॉडलिंग, अभी मॉडलिंग चल रही है, लेकिन रुझान मेरा एक्टिंग की तरफ है और डांस क्लासेस भी मैंने ज्वाइन किए हैं एक जगह पे. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. Awesome. Yes. That's great. So inshallah we're going to see you on the large screen very very soon. आप बताइए कि नई इनोवेशंस और क्या आ रही है? ये तो आप कर ही रहे हैं कि जस... एक तो कॉस्मेटिकली हमने करके दिखा दिया कि इस तरह से आईब्रोज कर सकते हैं और इस तरह से बीबी मीजो ग्लो. क्लिनिकल एप्लीकेशंस बहुत अच्छी हैं इसकी. क्लिनिकल एप्लीकेशंस इस तरह से हैं, जैसे एलोपेशिया जो एक हेयर फॉल टाइप की चीज़ होती है, स्कैल्प आपका नज़र आता है, बाल छड़ जिसको उर्दू में कहते हैं, उसमें यह है कि हम हेयर फाइबर इफेक्ट दे देते हैं. आपने देखा होगा जिनके स्कैल्प खाली होते हैं वो टॉपिक फाइबर यूज करते हैं उसको घना करने के लिए. बहुत बुरा होता है क्योंकि उससे सारे हाथ पे आ जाते हैं. बिल्कुल, लेकिन हमने इसका परमानेंट सोल्यूशन ढूंढ लिया है, वही फाइबर विद अ वेरी रियलिस्टिक इफेक्ट. हम उसको 3D फाइबर के तौर पर लगा देते हैं, 5 साल के लिए वो रहता है. सो इट लास्ट फॉर 5 years. बाल तो नहीं गिरते, नहीं गिरते बल्कि ग्रोथ होती है बालों की, क्योंकि हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करते हैं और PRP के साथ कंबाइन करके करते हैं. सो दिस इज वेरी इनोवेटिव टेक्निक. सो बिकॉज वो तो ना, हेयर ट्रांसप्लांट तो बहुत ही औखा और लंबा प्रोसेस है यार. हेयर ट्रांसप्लांट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है? ये एक वो उन लोगों के लिए जिस तरह आप कह रहे हैं कि चौड़ी मांग हो जाती है अंदर से. आई गिव यू एन एग्जांपल, अब यू मेरे हमेशा से ये एरिया जो है यहाँ पे बहुत कम, बहुत लाइट बाल है मुझे हमेशा से. जब मैं छोटी भी थी, छोटी भी बनाई जाती थी, तो यहाँ पे मेरे बहुत लाइट बाल थे. टेंट भी 50 रुपया मामा ने बचपन में करा ली. अब होता है, अब मुझे एक दो लोगों ने कहा कि यहाँ ट्रांसप्लांट करा लो, मैंने कहा अभी एक मेरी नेचुरल चीज है, वेरी गुड ऑप्शन. और 2-3 दफा टॉपिक सर पे लगाया तो मेरी आदत है हर वक्त हाथों को बालों में गुजारने की. वो जब हाथ को हाथ काले बच्चों को प्यार किया, बच्चों के मुंह काले. यू नो माओं के लिए ये ऑप्शन, ये उन लोगों के लिए जो ऐसे करके बैठ सकते हैं अकड़ के. हमने तो भांडे भी धोने, हमने बच्चे भी पालने, हमने बच्चों को चुपड़ी भी मारनी है. कि टॉपिक फाइबर जो है वो 5 साल के लिए लग जाता है, ठीक है? इट्स वेरी नेचुरल, आपकी फ्रेंड्स नहीं उसको आइडेंटिफाई कर सकती, ना ही आपको. भाई मामा मेरे पीछे कब से पड़ी हुई है कि खुदा का वास्ते जो इस तरह करके माइक्रोब्लेडिंग है वो मुझे कोई मतलब, क्योंकि बाहर तो ये बहुत कॉमन है, यहाँ पे बहुत रेयर है, बहुत कम लोग हैं जिन्होंने सीख के. और जो कुछ जो जिन्होंने वीडियोस देखते के भी स्टार्ट किया, दे डोंट नो हाउ टू डू इट, पहली बात. और दूसरी बात ये है कि मैंने ये देखा है कि काम इतना खराब करते हैं, वो सही करने के बजाय शेप खराब कर देते हैं और कलर ग्रे हो जाता है.
which is not a beauty of a procedure. Not at all, which is why proper. अच्छा ये करवाने से यहाँ के बाल grey तो नहीं हो जाते बाद में जब उतरता होगा तो ये तो नहीं है कि नहीं बाल आपके वैसे ही रहते हैं इससे बालों का नहीं है क्योंकि हम tint use कर रहे होते हैं tint जो ऐसे ऐसे करके लाइनें जिस तरह हम लोग नहीं करते अपने थोड़े से eyebrows को darken तो ये एक semi permanent solution है exactly और मैं चाह रही थी व्यूअर्स को इससे रिलेटेड पता भी चले क्योंकि एक्चुअली लोग ना जाके टैटू करा लेते हैं बिल्कुल और वो जो है दैट इज अ स्टिकर लुक वो स्टिकर लगना शुरू हो और बहुत शार्प और हार्ड सी एक लुक आती है उसपे तो थोड़ा सा नेचुरल इसीलिए जब हमने आपको अभी दिखाए आईब्रोज और वो जो सारा करके तो पहले ही कहा कि ये अभी लाइट होगा सो डोंट स्ट्रेस एंड डोंट वरी फाइनली मैडम We wish you best of luck with everything. So आपने एक बड़ा awesome initiative लिया और मुझे खुशी इस बात की होती है कि डॉक्टर साहिबा सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि और यंग लोगों को ट्रेन भी कर रही हैं तो अपना टैलेंट अपनी जगह अपनी रोजी रोटी अपनी जगह लेकिन दूसरों के भी रोजी रोटी कमाने के मौके क्रिएट कर रही हैं यू यंग लेडी बेस्ट ऑफ लक विद एवरीथिंग विद योर एक्टिंग एंड विद योर मॉडलिंग हुमैरा जी जी अपने फैंस को क्या कहेंगी फाइंस को मैं अपने फाइंस को ये कहना चाहूंगा ये कहना चाहूंगी कि सोशल मीडिया मैंने पहले भी ये मैसेज दिया आज भी यही दूंगी क्योंकि हमारे यहाँ सोशल मीडिया जो है वो बहुत इस टाइम जो है वो हिट है लोग जो हैं टीवी से निकल के अब सोशल मीडिया पे आ गए तो मैं उसके साथ साथ ये भी देख रही हूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है नेगेटिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा है खुदा के लिए सोशल मीडिया को इतना ज़्यादा नेगेटिविटी के लिए यूज़ मत करें पॉजिटिविटी फैलाएँ लोगों को पैनिक ना करें जो हमारी बच्चियाँ हैं कोई भी लोग उनकी पिक्चर जो है अपलोड करके फेक वो बना लेते हैं क्या कहते हैं उसको अकाउंट बना लेते हैं बहुत सारा मिसयूज़ कर देते हैं तो हमारी जो बच्चियां हैं खुदारा वो फेसबुक के ऊपर उनको या किसी भी एप्लीकेशंस के ऊपर कोई लोग उन्हें मिलें तो वो खाली मैसेजेस के ऊपर जो है वो बिल्कुल उन पर बिलीव ना करें और अपनी इज्जत को अपने ख़ानदान की इज्जत को जो है वो ज़रूर आँखों पर मद्देनज़र रखें और कभी किसी पर ट्रस्ट ना करें किसी ऐसे शख्स पर कि जो अनजान है बहुत सारी हमारी बच्चियाँ जो हैं वो इस तरह के सोशल जो एप्लीकेशंस हैं उनके ऊपर उनकी बिल्कुल बहुत ज़्यादा जो है वो मिसयूज़ हो रही है तो वो मत करें बहुत ज़्यादा हो रहा है और अपने बच्चों को जब वो घर में आप मौजूद हों क्योंकि बच्चे सबके पास आजकल मोबाइल है और आप ज़रूर चेक करें जब आपके बच्चे मोबाइल देख रहे हों कोई चीज़ अपलोड कर रहे हों डाउनलोड कर रहे हों तो आप ज़रूर देखें कि आपका बच्चा जो है क्या डाउनलोड कर रहा है क्या अपलोड कर रहा है ताकि आपकी नज़र जो है हम घर में तो बहुत से दुश्मनों को रोक सकते हैं लेकिन जो एक अनदेखा दुश्मन है जो बच्चे के हाथ में है उसको हम ज़रा ज़्यादा जो है वो छोड़ देते हैं कि यार नहीं हमें पता ही नहीं चलता तो वो ज़रूर माएँ जो हैं भाई जो हैं बाप जो हैं अपनी बच्चियों को बच्चों को ज़रूर देखें कि उनके बच्चे जो हैं वो बेराय रवि की तरफ जो है वो ना जाएँ जैसे कि मैंने आपको प्रोग्राम की शुरुआत में कहा था एक अपबीट पॉजिटिव पर्सनालिटी जो पॉजिटिविटी के मैसेजेस देती हैं म्यूज़िक हल्ला गुल्ला अपनी जगह लेकिन हमेशा मशवरा वो देती हैं जो वो अपने औलाद अपने घर वालों अपनी फैमिली को दें बड़ा इंपॉर्टेंट उन्होंने पॉइंट रेज किया किसी दिन हम इससे रिलेटेड भी प्रोग्राम करेंगे स्पेसिफिकली कि हम किस तरह से इस अनदेखे एनिमी से अपनी जान छुड़ा सकते हैं या एटलीस्ट उसको दूर रख सकते हैं प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया है याद रखिएगा कि हुमैरा जी ने आज अपने दोनों जो सॉन्ग्स हमारे साथ शेयर की हैं बहुत ही ऑसम सॉन्ग्स हैं एंड आई थिंक अपकमिंग शादी सीजन के सबसे अपबीट सॉन्ग्स होंगे आप लोग भी जाके उसे डाउनलोड भी करें उसे जाके देखिए भी उसे फॉलो भी कीजिए सोशल मीडिया पे हुमैरा बहुत एक्टिव होती है जिस तरह के प्रोग्राम की ब्रेक के दौरान भी हम इनके